समस्याएं होती हैं। बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ कि जब प्रार्थना का उत्तर आने में जब डिले होता है, तो डिले होते 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 उनका विश्वास इतना कमजोर पड़ जाता है और लगता है कि भाई अब तो प्रार्थना सुनी ही नहीं जाएगी। चलो यार, अब जैसे किसी के पैसों की दिक्कत है तो उनको लगता है कि चलो प्रार्थना तो सुनी नहीं जा रही, चलो भैया किसी से मदद ही ले लेते हैं हम। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, और बहुत से लोगों को बड़ा जोश होता है कि यार चल, हम इसके प्रधानमंत्री बनने का बहुत ज्यादा शौक होता है कुछ कुछ लोगों को कि भाई नहीं, जाके मदद करके आते हैं। पर परमेश्वर कहता है कि हमें कभी भी कोई भी समस्या आ रही है, भले फाइनेंशियली आ रही है, आर्थिक संसारिक सोशल किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो हमें उसमें क्या करना है, क्या थ्रोन के पास जाना है या फोन के पास जाना है। हमारे जो पास्टर हमेशा हमें वही सिखाते हैं कि कभी भी कोई समस्या तुम्हें दिख रही है, सबसे पहले फोन के पास मत भागो, थ्रोन के पास जाओ। थ्रोन मतलब सिंहासन, परमेश्वर का, परमेश्वर के सिंहासन के निकट जाओ। पर लोग क्या करते हैं भाई, कोई समस्या आ गई, कोई बीमारी आ गई, कुछ आ गया, तो भाई चलो पहले भैया फोन घुमाते हैं, कहीं ना कहीं से इलाज तो मिल ही जाएगा, क्या करना है। नो, एक खुदा के दास सिखा रहे थे, जब हमें बहुत सारी बरकतें मिल रही होती हैं, आशीषें मिल रही होती हैं, प्रभु बड़ी बड़ी गवाहियां क्रिएट कर रहा होता है, और प्रभु बहुत ऐसे में फाइनेंशियली जब ब्लेस करता है, तो हम तब क्यों नहीं बताते हैं दूसरों को, जा जाकर तब नहीं बताते, नहीं भाई किसी को पता ना लग जाए इतना हमारे पास है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, और जब कोई समस्या दिखती है तो फटाक से फोन घुमा देते हैं। जब हम गवाही हैं, जब खुदा की महिमा नहीं कर रहे हम, तो खुदा का नाम डुबोने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। और खुदा आशीष अपना बड़ा हाथ तब हटा लेते हैं, आशीष तभी ब्लॉक हो जाती है जब हम खुदा की महिमा को निकम्मा जानते हैं, जब खुदा की महिमा को चुराते हैं, या फिर खुदा को महिमा देते ही नहीं है। जैसे हम किसी को फोन करके बता रहे हैं, हम गवाहियां बता रहे हैं, दैट्स गुड, हमें बतानी है, हमें खुदा का नाम ऊंचा करना है कि हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, करता था, करता है और करता रहेगा। पर अगर हम भले मसीह का ही क्यों कोई जन क्यों ना हो, मेरे अन्य जाति भले मसीह का हो, हम उसको जाके अपनी समस्या बता रहे हैं कि भाई ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो वो क्या सोचेगा, वैसे तो बड़ा यशो यशो करते हैं पर इनकी समस्या खुद की ही नहीं जा रही। उस वक्त खुदा का नाम खराब होता है, और खुदा अपने नाम को खराब होने नहीं देता। वहीं पे जब महिमा को हम वो कर देते हैं ना, खराब करते हैं खुदा की, वहीं पे हमारी आशीषें ब्लॉक हो जाती हैं, खुदा अपना बड़ा हाथ हटा लेता है। क्योंकि खुदा के दास के द्वारा हमने कुछ दिन पहले कुछ टीचिंग सुन ली थी, तो वहां पे एक दर्शन बताया था कि एक लेडीज थी, वो भी ऐसे प्रार्थना डे बाय डे कर रही थी कर रही थी कर रही थी, बट जब तक उत्तर नहीं आ रहा था उसका विश्वास कम होता गया होता गया होता गया, डिले होता गया, क्योंकि परमेश्वर को कुछ सिखाना मांग रहा था। हम बोलते हैं कि भाई अलादीन का चिराग नहीं है यीशु मसीह, कि जब करेंगे भैया छड़ी घुमाएंगे तो भाई तभी यीशु मसीह कहेंगे हाँ हाँ मेरे आका भाई। नो, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह वो खुदा है, वो जब चाहेगा वो तब देगा, वो जब बोलेगा, जब उसको अपनी वाणी सुनानी होगी वो तब सुनाएगा, उसकी मर्जी है। पर हम चाहते हैं कि खुदा को, कुछ कुछ लोग खुदा को अपने अकॉर्डिंग चलाना मांगते हैं, पर ऐसा नहीं होता। तो उन खुदा के दास ने क्या बताया कि उस लेडीज की जो प्रार्थना प्रेयर कर रही थी, वो जिस विषय के लिए, जिस टॉपिक के लिए, वो थोड़ा सा डिले हो रहा था, क्योंकि परमेश्वर को कुछ सिखाना मांग रहा था, बट उससे रहा नहीं गया, तो उसने क्या किया, क्विट कर दिया। हमें कभी क्विट नहीं करना, गिव अप नहीं करना बीच में। अगर कोई प्रार्थना का डिले हो भी रहा था उत्तर, मेरी लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत बार प्रार्थना का डिले उत्तर ऐसे होता था और लगता था ओ प्रभु कब तक सहना पड़ेगा, कब तक, कब उत्तर आएगा। पर परमेश्वर कुछ सिखाना मांगता है कुछ कुछ एरियाज में, लाइफ के कुछ एरियाज में सिखाना मांगता है। तो जैसे ही वो डिले हो रहा था, तो उस लड़की ने, उस लेडीज ने गिव अप कर दिया, और उसने दर्शन में क्या देखा कि दो सांप है, उनके पेट फूले हुए हैं, दो सांप है पेट फूले हुए हैं। जब उन्होंने अपने खुदा के दास से जाकर उस दर्शन को शेयर किया, तो खुदा के दास को, दास के मन में प्रभु ने क्या डाला कि जो ये प्रार्थना कर रही थी ना, मैं इसको उत्तर देने ही वाला था, देने वाला था, पर इसने बीच में से क्विट कर दिया, ये हार गई, हार मान के इसने अपना विश्वास गंदा दिखाया। इसने अपना विश्वास कहाँ दिखाया, लोगों पे जाकर दिखाया, मिस्र की ओर ताकना शुरू कर दिया। इसीलिए वो दर्शन क्या बताना चाह रहा था कि वो सांप किसको दिखाते, दुष्ट आत्मा को, दुष्ट आत्मा जो मैं आशीष इनकी देने वाला था, वो दुष्ट आत्मा ने निगल ली है, अब वो आशीष इसको नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसने बिजनेस से क्विट कर दिया, इसने अपना मेरे पर से अपना भरोसा हटाकर औरों पे रखने लग गई है। तो आज परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि कोई भी समस्या आ रही है, कुछ भी आ रहा है, हमें मिस्र की ओर तो ताकना ही नहीं है, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, यशाया का हम पढ़ेंगे 30:15 से पढ़ेंगे, 30:15 से पढ़ते हैं। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। क्यों? क्योंकि प्रभु कह रहा है कि लौट आने में और शांत रहने में उद्धार है। शांत कैसे रहेंगे, हमें तो बहुत उछलना, हम जब प्रार्थना को तो डिले होता है ना, तो ना उछलते हैं, अंदर से झटपटाहट सी होने लग जाती है, शांत नहीं बैठा जाता,
कि भाई नहीं प्रार्थना का उत्तर कब आएगा कब आएगा कब आएगा परमेश्वर, और कितना। प्रभु कह रहा है कि लौट आने में, अगर अगर तू अभी भी मिस्र की ओर ताक रही है ना, अगर अभी भी तेरा संसार पे भरोसा है ना कि हाँ कोई मेरी मदद कर देगा, ये मामा चाचा ताया कोई मेरी जाके मदद कर देगा, नो कोई भी नहीं करेगा। प्रभु कह रहा है वापिस लौटा बेटा, उन पे अपना भरोसा भरोसा हटाकर मेरे पास लौटा, इसी में तेरी भलाई है और शांत रहने में तेरा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे परमेश्वर साफ कह रहे हैं कि तुमने ऐसा नहीं किया, वो कह रहे कि तुम शांत रहने भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। लिखा है दौड़ तो सब दौड़ते हैं पर जय यहोवा ही से मिलती है। आमेन। तो हमें जय दिलाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर। उसमें वीरता वीरता छुपी है। जब हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे तो हमें जय मिलेगी ही मिलेगी। पर जय क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हम खुदा से अपना भरोसा हटा लेते हैं, पर कहाँ ताकते हैं? संसार की ओर ताकते हैं। तू दे दे और तू दे दे और तू दे दे। एक टाइम मैं ऐसा करती थी, जब मैं अपनी गवाही से बताती, जब मैं नई नई आई थी, मेरा भरोसा ऐसा हो चुका था, मुझे लगा कोई मेरी मदद करेगा तो ही ऐसा होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं था। संसार की ओर ताकना शुरू कर दिया था मैंने, कि प्रभु मतलब मनुष्य की ओर ताकना शुरू कर दिया था कि तू दे दे और तू दे दे, है ना। हमें मनुष्य की ओर ना ताक कर हमें कहाँ ताकना है? खुदा की ओर ताकना है। मैं क्या करती थी, पैसे की समस्या आ गई, चल इससे ले लूंगी उससे ले लूंगी, चल वापिस से तो करना है बाद में कर दूंगी, पर नो। परमेश्वर क्या सिखा रहा है कि नहीं बेटा, जब कभी हम किसी से अगर कुछ ले रहे हैं ना, उसको वापस देना पड़ेगा। और आपने बहुत बार देखा है, दुनिया करेगी तो वो सुनाएगी, राइट। दुनिया के लिए हम कितना भी कर लें, कितना भी कुछ कर लें, पर वो क्या करेगी? बिहाइंड द कर्टन आके वो सुनाएगी, है ना। पर अगर परमेश्वर के लिए करेंगे तो वो हमें कभी भी नहीं सुनाएगा, कभी भी नहीं सुनाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की ओर। जितना लिखा है तुम परमेश्वर के निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा, परमेश्वर अगर तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा, पर परमेश्वर के निकट आना ही नहीं मांगते हैं। हल्की से कोई समस्या आती है तो हम क्या बोलते हैं, चल उसे ले लूंगी। एक बात याद रखना कि जिस जिस अगर आज भी कोई भी जन है, अगर किसी के जीवन में समस्या है और उसकी निगाहें किसी और की तरफ है, किसी मनुष्य की तरफ है कि कोई मुझे दे देगा कुछ ऐसा हो जाएगा, पर बहुत बड़ी गलत फैमिली में है वो जन। क्यों? जहां जहां आप ताकोगे ना, वहीं पे परमेश्वर दरवाजे बंद कर करके दिखाएगा, दरवाजे ऐसे बंद करेगा, और फिर आपको घुटनों में आना पड़ेगा, रोना पड़ेगा परमेश्वर क्या कि भाई नहीं, पर अगर परमेश्वर इससे भला मैं तेरी और ही ताक लेती तो बेस्ट था। तो परमेश्वर आज ही हमें सिखा रहा है कि शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, पर तुमने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर अगर तुमने ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया? अब आगे पढ़ेंगे क्यों परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोल रहा है। 30 का हम शायद 30:2 से पढ़ेंगे, 30:2, 30:2। वे मुझे बिना पूछे मिस्र को जाते हैं। परमेश्वर ने बोला है क्या कि मनुष्य की ओर ताको जाकर, पैसे की समस्या आ रही है या खाने पीने की समस्या आ रही है, एक्सरसाइज कोई भी समस्या आई, कोई बीमारी, कर्जा, गरीबी, घटी, कुछ भी आ रहा है, तो क्या प्रभु ने कहा है कि हम संसार की ओर ताके जाकर? नो। परमेश्वर ने क्या बोला है? मेरी ओर ताको, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसकी ओर ताकने वाले के कभी मुंह काले नहीं होते हैं। यह लिखा है वे बिना पूछे मिस्र को जाते हैं, संसार को जा रहे बिना पूछे कि वे फिरौन की रक्षा में रहे। उनको लगा है कि हाँ भाई हमारी रक्षा कवच अच्छा है, हाँ भाई अगर हम इसकी ओर ताकेंगे उसकी ओर ताकेंगे हमारा काम बन जाएगा, फिर हम रिलैक्स हो जाएंगे। याद रखना, जब हम किसी मनुष्य से मदद लेंगे ना, कभी रिलैक्स नहीं होंगे, कभी भी रिलैक्स नहीं होंगे। अगर देंगे तो वापस, लेंगे तो वापस देना पड़ेगा उन्हें, और वो झटपटाहट रहेगी कि भाई इसका देना है। और कल को अगर वो इंसान वापस आके आपसे मांग ले तो आप क्या करोगे? कुछ कर सकते हो? नो। तो आपको देना पड़ेगा, और उससे क्या होगा? अगर मनुष्य की ओर ताकोगे, सबसे बड़ी बात जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि खुदा की महिमा खराब करने वाली बात है ये। अगर खुदा की महिमा खराब हो रही है, तो खुदा की महिमा खराब जो लोग कर रहे हैं या जो लोग करते हैं या जो लोग करते थे, जो भी, परमेश्वर उनकी आशीष से वहीं पे ब्लॉक करता है। क्यों? क्योंकि तो हमें खुदा के नाम को ऊंचा उठाना है। कोई पीठ पीछे ये ना कहने पाए कि इनका परमेश्वर कितना भी नहीं कर सकता। नो, हमें खुदा के नाम को ऊंचा उठाना है, गिराना नहीं है। लिखा है कि वे फिरौन की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में शरण ले। वाओ, क्या लिखा है यहाँ पे कि मिस्र मतलब संसार की छाया में शरण मिल जाएगी। भाई बाइबल में लिखा है बनी सकते 91 में, सब जानते हैं कि वो जो सर्वशक्तिमान की छाव में बैठा रहेगा, सॉरी, जो परम प्रधान की छाव में, छाव, एक मिनट पढ़ते हैं उसके, तो परम प्रधान की छाया उस स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाव में ठिकाना पाएगा, ठीक है। तो प्रभु की छाया ज्यादा बढ़िया है या मिस्र की, या संसार की छाया बहुत बड़ी है? हमें इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि मिस्र की छाया में शरण ले रहे हैं लोग जा जाकर आज, कि भाई नहीं कोई काम नहीं बन रहा, चलो भाई इसी के बस रिलैक्स आएगा, मजा आएगा, चलो अब तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, चलो भाई मजा आएगा, क्योंकि सब काम इजीली मिल जाएगा,
धन चाहिए तो मैं से ले लूंगा, खाना चाहिए तो मैं से ले लूंगा, एक्स वाई जेड कोई भी हमें चीज जो है वो उसने बोला वो यहोवा यीरे है, वो प्रोवाइडर गॉड है, वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है, आमेन। तो वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है, वो नहीं चाहता कि हम किसी और की और ताके और संसार की और, लेकिन अपना तकिया हमें किस पे करना है, अपना सर किस पे रखना है, यीशु के ऊपर रखना है, हमें अपना तकिया संसार की ओर नहीं रखना है, क्योंकि संसार में तो कलेश है, पर प्रभु ने कहा तुम ढांढस बांधो कि मैंने संसार को जीत लिया है। संसार की ओर ताकना क्या है, अभी आगे हम बताएंगे इसमें। इसीलिए पिनौन की शरण स्थान तुम्हारी लज्जा है, एक जगह कहते हैं यहोवा हमारा शरण स्थान है, और यहाँ पे कह रहा है एक जगह पे कि फिरौन का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा है, जो मिस्र की ओर ताक रहे हैं ना हम लोग, वो लज्जा का कारण ठहरेगी, और फिर बोलेंगे अरे हम तो इसके और गए थे पर इसने हमारी बेइज्जती क्यों कर दी, ये हमसे अरे यार इतना अपमान कैसे हो गया, इसीलिए हो क्योंकि तुमने संसार की ओर ताका। अगर तुम संसार की ओर नहीं ताकते, अगर खुदा की ओर ताकते तो बेस्ट रहता, पर संसार की ओर ताकने का नतीजा क्या मिलेगा, निंदा, क्योंकि तो आगे क्या लिखा है, और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा, तुम्हारी निंदा का तो होगा पर उससे पहले किसका होगा, परमेश्वर की निंदा होगी, क्यों, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका नाम खराब हो, और सबसे पहले वो अपने बच्चों की भी फिक्र करता है कि मेरे बच्चों का नाम खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि भजन संहिता 3:3 में लिखा है कि वो चारों ओर हमारी ढाल है और हमारी महिमा को हमारे मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, क्या वो अपने बच्चों का सर नीचा होने देगा, वो कभी नहीं होने देता, पर इंसान अपने खुद की गलती के कारण खुद को गड्ढे में गिराता है और फिर बोलता है कि अरे मेरी कहाँ गलती है, पर नहीं परमेश्वर दिखा देता है, क्योंकि वो वीडियो उसका कैमरा 24 घंटे ऑन है हमारे ऊपर, कि हम संसार की ओर ताक रहे हैं कि परमेश्वर की ओर ताक रहे हैं, सबको हमारी जैसे कि गवाही पता है, हमारे पास बहुत ज्यादा घटी का एक बार एक समय के लिए टाइम आया था और कुछ भी नहीं था खाने पीने के लिए, एज यूजली सब शायद गवाही रट गई होगी, सबको सब जानते हैं इस गवाही के बारे में कि बहुत ज्यादा कंडीशन क्रिटिकल हो चुकी थी, मेरी ज्यादा हो चुकी थी, मेरे हस्बैंड की भी हो चुकी थी, उस वक्त हमने क्या किया, घुटने टिकाकर परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, बार 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 बात कर रहा है, और सबसे पहली गलती क्या करता है मनुष्य कि जब समस्या आती है तो वो प्रार्थना करनी ही छोड़ देता है, पर हमें ऐसा नहीं करना, प्रार्थना करनी नहीं छोड़ना, प्रार्थना करेंगे क्या पता परमेश्वर का आत्मा आप पे कुछ रिवील करे, जैसा कि हम पे किया था, तो हमारी घटी के टाइम बहुत तगड़ी समस्या हमारी चल रही थी, टेस्टिंग टाइम हमारा चल रहा था, पर उस वक्त परमेश्वर ने क्या बताया, परमेश्वर बार बार वचन के द्वारा और रेमा के द्वारा बात कर रहा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा, क्योंकि उस वक्त खाने पीने की फाइनेंशियली बहुत ज्यादा समस्या थी। फिलिपियों 4:19 परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार अपनी हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा, एक एक वचन परमेश्वर का मुझसे हमसे बात कर रहा था कि नहीं बेटा मनुष्य की ओर मत ताक, मनुष्य की ओर मत ताक, पर उस वक्त यही था ना, अगर उस वक्त अगर हम मनुष्य की ओर ताक लेते हैं उस समस्याओं में, तो आज शायद ये टेस्टिमनी नहीं बनती, आज ये गवाही मैं आपसे शेयर नहीं कर रही होती। क्या करा उस वक्त, सिर्फ खुदा के आगे घुटने टिकाए, किसी एक को भी नहीं बताया हमने कि हमारे साथ ये समस्या चल रही है, किसी को नहीं बताया, सिर्फ क्या करा घुटनों में आके खुदा के साथ रिश्ता अच्छा करा, नहीं परमेश्वर क्यों नहीं, सबसे बड़ी बात हमें क्या जांचनी है, अगर कोई समस्या आ रही है किसी को अगर हम बता, भले मसीह का हो भले मसीह का ना भी हो, अगर हम किसी को कुछ बता रहे हैं, खुदा का नाम नहीं खराब होना चाहिए, अपने बाप का नाम हमें खराब नहीं करना, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, इस बात का सबको ध्यान रखना है, मुझे भी और आप सब लोगों को भी। उस वक्त अगर मैं बता देती सबको तो क्या होता, खुदा के नाम की निंदा होती और साथ साथ हमारे नाम की भी निंदा होती, क्यों, क्योंकि हम मसीह में हैं, सब जानते हैं, बड़े बड़े टेस्टिमनीज हैं, इतना कुछ है, क्या मसीह में आने के बाद भी हमारा जीवन ऐसा है, नो, पर लोग ये नहीं सोचेंगे कि टेस्टिंग टाइम है, पर लोग क्या सोचते हैं कि नहीं पक्का कहीं ना कहीं गलती करी होगी तभी ऐसा हो रहा है, पर नो, हर बार इंसान की गलती, कुछ गलती की वजह से समस्या होती थी पर कुछ बिना गलती के भी, क्योंकि परमेश्वर परखता है ताकि एक एग्जाम को पास कर सके और नेक्स्ट लेवल पे हम जा सके, अगर आज वो लेवल कंप्लीट ना किया होता तो इस लेवल तक शायद आज हम ना पहुंचते, पर वो लेवल में क्या किया, उस समस्या में क्या किया, क्या किया, सिर्फ परमेश्वर की ओर निगाहें रखी और परमेश्वर ने सच में उसके बाद बहुत आए थे अबंडेंटली ब्लेस किया हमें, मांगने से ज्यादा और सोचने से बढ़कर। मनुष्य को बोलते मनुष्य क्या देता, 1,000 2,000 5,000 दैट्स इट, क्या देता, खाने पीने को दे जाता पर उसमें भरपूरी नहीं दिखती, क्यों, क्योंकि हमने मनुष्य की ओर ताकते, पर उस वक्त हमने किसकी ओर ताका, परमेश्वर की ओर ताका। और आगे क्या लिखा इसी का 5वां पढ़ेंगे हम, 30:5 यशाया 30:5, वे सब एक ऐसी जाति के कारण लज्जित होंगे, परमेश्वर साफ बता रहा है कि लज्जित हो जाओगे, क्यों, जो जो मनुष्य की ओर ताक रहा है जन वो लज्जित होगा, जिससे उनका कुछ लाभ ना होगा, कोई फायदा नहीं है, बाइबल में लिखा है जो योजना परमेश्वर हमारे लिए बनाता है वो हानि की नहीं वरन लाभ की है, और अंत में हमारी आशाओं को पूरा करता है, पर अगर वो मनुष्य की ओर ताक रहे हैं, वो कह रहा है कि वो लज्जित होंगे जिससे उनका कुछ लाभ ना होगा, कुछ भी लाभ नहीं होगा उनका, कोई फायदा नहीं मिलेगा उनको, कि मनुष्य की ओर ताकने के बाद भी कोई फायदा नहीं मिलेगा, और जो सहायता और लाभ के बदले
सहायता जो पाने की कोशिश करते हैं ना, भजन संहिता में जगह पे लिखा है किसी को तो रथों का सहारा है, किसी को घोड़ों का सहारा है, पर हम तो यहोवा ही का नाम लेंगे। क्या आज हम ऐसा बोलते हैं कि कुछ भी समस्या आ रही है? आज मेरी खुद की लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी उस चीज को। बट किसकी और ताकरी? परमेश्वर तेरे साथ रिश्ता अच्छा करना है, तेरी और ताकरी हूँ बताने को मैं बहुत, हम भी तो बहुतों को बता सकते हैं, पर नो, परमेश्वर नहीं, किसी एक को नहीं बताना। परमेश्वर मुझे तेरी और ताकना है, केवल खुदा की और। खुदा से रिश्ता अगर जब तक अच्छा करेंगे ना, खुदा खुद उतर आएगा हेल्प करने के लिए। ये मेरी खुद की जीती जागती गवाही है, खुदा खुद उतर आएगा मदद करने के लिए। यहाँ लिखा है कि वे सब एक ऐसी जाति के कारण लज्जित होंगे जिससे उनका कुछ लाभ ना होगा, और जो सहायता और लाभ के बदले लज्जा और नाम धराई का कारण होगी। परमेश्वर तो भजन संहिता 3:3 में कह रहा है कि वह ढाल और महिमा का मस्तक ऊंचा करेगा, और एक जगह पे क्या कह रहा है कि नाम धराई का कारण होगा। जिन जिन लोगों की बेइज्जती अब तक हो चुकी है भाई, जहां जाता हूँ वही बेइज्जती हो जाती है, जहां जाता हूँ वही बेइज्जती हो जाती है। यार इससे तो मैंने मदद मांगी थी, फिर भी ऐसी बेइज्जती हो गई, क्यों? क्योंकि मनुष्य पे भरोसा रखा हुआ है। मनुष्य पे भरोसा रखना ही ठोकर का कारण है। पहली बात, मनुष्य पे भरोसा रखते इंसान गिरता है। मुंह कैसी, एक बार देगा मनुष्य, दो बार, तीन बार, चार बार, 100, 500 बार मुंह की खा के गिरने वाले काम मत करना, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूं, मैं इसलिए बता रही हूँ। यहाँ पे लिखा है कि नाम धराई का कारण होगी। नाम धराई, इससे पहले हमें परमेश्वर नाम धराई नहीं होने देता, पर इंसान खुद की गलतियों की वजह से अपनी नाम धराई कराता है, अपनी बेइज्जती कराता है जगह जगह। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा संसार पे चला गया। वो उनको लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा, धरेगा उद्धार उसी का। क्या परमेश्वर हमारे धीरज को बढ़ाना चाहते हैं? हम खुद ही तो मांगते हैं कभी कभी, परमेश्वर हमें आत्मा के फलों से भरो, आत्मा के दानों वरदानों से भरो। आत्मा के फलों में धीरज भी आता है। तो हमारे अंदर वो परमेश्वर पेशेंस लेवल को बढ़ाना मांगता है, कि हम पेशेंस लेवल को इंक्रीज करें, परमेश्वर हमारा पेशेंस लेवल को बढ़ाए, ताकि हम संसार की और ना ताकि परमेश्वर की और ताकें। पर पेशेंस लेवल तो मांगते ही नहीं। आत्मा के फल जरूर चाहिए, पर उनके जब परमेश्वर अपना काम करने पे आता तो हम चिल्लाने लगते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। और इसीलिए अगर हम 7 पढ़े, यशाया 30:7, क्योंकि मिस्र की सहायता व्यर्थ है। परमेश्वर साफ कह रहा है, मिस्र मतलब संसार की सहायता क्या है? व्यर्थ है, कुछ लाभ नहीं मिलेगा, एक पैसे का भी लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है? व्यर्थ है और निकम्मी है, निकम्मी बता रहा है, निकम्मी है बिल्कुल। एक आधा 1/4% भी आपको रिजल्ट उसमें से नहीं दिखेगा, और जो मनुष्य करेगा वो सुनाएगा भी। क्यों? क्योंकि आपने मनुष्य की और ताका। इससे बढ़िया सबसे बेस्ट वे है कि कभी भी कोई समस्या आए, कुछ भी हो रहा है, ये लग रहा है कि समस्या ओवर कंट्रोल लग रही है, तो भी खुदा के सामने घुटने टिकाने। जैसे सबने अभी रिप्लाई भी किया था, जब मैंने पूछा कि क्या करते हैं जब समस्या आते हैं, तो सबने यही बोला कि प्रेयर करते हैं। वेरी गुड, सच में हमें प्रेयर ही करनी है, घुटने टिकाकर हमें परमेश्वर के आगे प्रेयर करनी है। क्योंकि जो लाइफ है ना हमारी, उसको, ये अब हमारा पहले वाला जीवन नहीं है, अब हमारा क्या है? मसीह जीवन है। और मत लिखा है कि चेले, अगर हम सब अपने आप को चेला मानते हैं ना, तो इसका एक दाम चुकाना पड़ता है। लिखा है कि बाइबल में एक टॉपिक भी है, चेला बनने का मूल्य। तो चेला बनने के लिए हमें एक मूल्य चुकाना पड़ता है। लग रहा है कि क्रूस भारी हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा क्रूस भारी है, अब नहीं होगा, सहन नहीं हो रहा भैया, अब छोड़ो मुझे, परमेश्वर की बहुत प्रार्थना कर ली, बहुत सब कुछ कर लिया भाई, आप चलो मनुष्य की ओर ताकना। मनुष्य की ओर भी कैसे ताकना है? परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना को सुनता है और मेरी भी प्रार्थना को सुनता है। और प्रार्थना के लिए भी किसी की ओर ताकने की जरूरत नहीं है। बहुत से यूट्यूब के द्वारा बताते हैं, बहुत से लोगों के फोन कॉल आते हैं, हम उनको यही सिखा रहे हैं कि बोलते हैं कि हमारा, बहुत से लोग कहते हैं कि तुम फोन कॉल्स नहीं उठाते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण फोन कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस मतलब नहीं देख पाते हम। तो उस वक्त आपको क्या ताकना है? कभी कभी परमेश्वर सिखाते हैं कि बहन की, मेरे पास गवाही आई थी कि दीदी मैं आपको फोन कर रही थी बार 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 बार, ऊपर उसका भरोसा किस पर था कि दीदी मैं प्रार्थना करूंगी तो ही कुछ होगा, राइट? पर उसको परमेश्वर सिखाना मांग रहा था, उसने बहुत फोन करे पर मैं नहीं उठा पा रही थी, मैंने मैसेज करा पर मैं फ्री होने के बाद आज तक भी उसको फोन नहीं कर पाई हूँ अभी तक। मैं बार बार कॉल कर रही थी, बट जब जब मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझे क्या बताया कि दीदी जब मैं आपने तो फोन उठाया नहीं, पर मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर लूँ प्रार्थना। और लिटरली जब उसने खुद घुटने टिकाकर प्रार्थना करी तो उसने वो रिजल्ट देखा जो कभी नहीं देखा था। हालेलुया। तो हमें ये सीखना है कि उससे क्या पता लगता है कि फोन, प्रभु मेरा भी तो, मेरे मतलब मेरे द्वारा भी तो बात करा सकता था, प्रार्थना करवा सकता था, पर उसको क्या सिखाना था कि बेटा नहीं, मनुष्य की ओर मत ताक, अपना भरोसा कहाँ रख? संसार की ओर हटाकर परमेश्वर की ओर रख। तू प्रार्थना करेगी वो तेरी नहीं सुनेगा। हम क्यों मैसेंजर्स ले लेके आते हैं बीच बीच में? और आप सबसे मैं यही बोलना चाहूंगी, कभी फोन कॉल्स नहीं उठा रहे हैं, कभी कुछ नहीं उठा पा रहे, तो आपको खुद को घुटने टिकाने हैं। से पहले ही बताया था कि प्रार्थना एक कारण से नहीं सुनी जाती, वो है पाप, और पापों की क्षमा मांगते ही परमेश्वर हमारी प्रार्थना तुरंत सुनता है।
ये ना बोले कि हमारी प्रार्थना नहीं सुना, कोई प्रार्थना करेगा तो यकीन हम प्रार्थना के लिए ठहराए गए हैं, बट प्रार्थना के लिए परमेश्वर आपको भी बोल रहा है कि भाई नहीं करना है, प्रार्थना करनी है, आप प्रार्थना करो कि क्योंकि वो हमारा बाप है, आप भी तो हे अब्बा हे पिता कहलाने का परमेश्वर ने आपको भी तो हक दिया है, वो ही हक परमेश्वर ने हमें दिया है। तो हे अब्बा हे पिता जब हम बोलते हैं, तो अगर अगर हम शारीरिक तौर से देखिए, अगर हमने पापा को बोलते हैं पापा ये चीज खाने, तो क्या पापा हमें ला के नहीं देते हैं, तुरंत ला कर देते हैं। जब शारीरिक पापा हमें ये सब चीजें ला कर मुहैया करके देते हैं, तो वो आत्मिक बाप क्यों ना ला के देगा, वो भी तो ला के दे सकता है, तो हम क्यों दूसरों पर डिपेंड हो रहे हैं। परमेश्वर हमें इंडिपेंडेंट, परमेश्वर ने मुझे बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाया अपनी लाइफ में, परमेश्वर हमें इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है, किसी पर निर्भर होना नहीं सिखाता परमेश्वर कि कोई करेगा या कोई आएगा तो ही, नो, परमेश्वर कहते इंडिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि सेवा का ही ऐसा नहीं चलती है, बड़े बड़े काम सब करना चाहते हैं, सेवा का ही हम चाहते हैं कि सब करना चाहते हैं, पर प्रभु कहता है इंडिपेंडेंटली। अगर कल को सेवा शुरू होगी आप सब लोगों की, एक छोटी सी बात है, तभी तो आप लोगों के लिए खुद ही प्रार्थना करोगे, राइट? ये तो नहीं है कि आप किसी के और, भाई नहीं दीदी को फोन मिलाते हैं, भैया इस बंदे के लिए प्रार्थना कर दो, नो। तभी तो आप, हम हमारी दिली इच्छा है कि आप सबकी सेवा करें, उठो, परमेश्वर आपको भरपूरी से इस्तेमाल करे, पर आपको इंडिपेंडेंट होना परमेश्वर सिखा रहा है। कल को सेवा का उठिए, कभी आपके पास कभी कोई फोन कॉल्स आ रहे हैं प्रेयर्स के लिए, अब हर बार तो हम भी अवेलेबल नहीं होते हैं, ये वचन इसलिए इससे कनेक्ट कर रही हूँ, संसार की ओर ताकने वाली बात बता रही हूँ, तभी मैंने ये वाला वचन, ये वाली बात इस चीज से कनेक्ट कर रही हूँ कि हमें परमेश्वर की ओर ताकना है, मनुष्य की ओर नहीं। अगर फोन नहीं भी लग रहा, परमेश्वर क्या पता आपको इस्तेमाल करना चाह रहा हो, परमेश्वर चाह रहा है बेटा तू प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना के द्वारा मैं बड़े बड़े काम करूंगा, क्योंकि हम डेली बेसिस से प्रार्थना करें कि हमारे लोग बढ़े, और आप लोग शायद अपनी पर्सनल प्रेयर से मांगते हो कि आप लोग बढ़ो, तो मतलब परमेश्वर बढ़ाने पर आ रहा है, आपको इस्तेमाल करने पर आ रहा है, क्या पता परमेश्वर आपका विश्वास बनाना चाह रहा हो उस प्रार्थना के द्वारा, आप प्रार्थना करो दूसरे के जीवन में चमत्कार हो और आपका विश्वास इंक्रीज होगा, उससे बढ़ेगा आपका विश्वास, पर हम दूसरों की ओर ताकते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। और एक वचन और पढ़ेंगे, और जो लोग, अब इस बात पे आते हैं कि जो लोग पर सहायता पाने के लिए जो मिस्र को जा रहे हैं, परमेश्वर उनके लिए क्या कह रहा है, और जिनने मैंने पूछा था किनको मदद करने का बहुत ज्यादा शौक है, मदद करने के जान की बहुत ज्यादा शौक है सबको, परमेश्वर का स्वभाव है देना, पर इसमें परमेश्वर एक बात कह रहा है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि मदद भी देख कर करनी है हमें, ये नहीं कि कोई समस्या में है तो भाई कर दो कर दो कर दो, दे दो दे दो दे दो, नो। आज से सबसे एक बात बोलूंगी, कुछ भी कर रहे हो परमेश्वर की अगुवाई में, जब तक खुदा का आत्मा ना कहे ना, भले हाथ बढ़ाने को कह रहा है, भले किसी को खाना बनाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हम, मैंने एक छोटी सी बात थी अपने जो हमारे पास्टर्स है, हमने उससे उनसे सीखी है, छोटे से कुछ खाने की बात थी, पर जब मैंने उन्हें बोला, उन्होंने मुझे क्या बोला कि खुदा की जैसे अगुवाई होगी मैं आपको जरूर से वो चीज दूंगी, खुदा की अगुवाई एक खाने की बात में भी, राइट? हमें एक एक बात, एक एक सेकंड में खुदा की अगुवाई को मांगते हुए चलना है, मनुष्य को खुश करने वाले काम नहीं करने की, भाई नहीं वो क्या कहेगा वो क्या कहेगी, नो, जो खुदा का आत्मा कह रहा है उसके अनुसार आपको बोना है, करना है, खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, आना जाना, जहां जाना है, सब कुछ एक एक बात खुदा की अगुवाई में होनी चाहिए। खुदा की अगुवाई से हटते ही लिखा सावधानी हटती तो दुर्घटना घटी, प्रभु की अगुवाई में अगर हम चल के करेंगे कोई भी काम कर रहे हैं, तो लिटरली वो 2000% बेस्ट रिजल्ट देंगे, अगर अपना दिमाग चला के करेंगे ना तो कभी रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि यशाया 31 में क्या लिखा है, शुरुआत से पढ़ेंगे 1 से ही, कि हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, परमेश्वर का पहला वर्ड ही कह रहा हाय, जहां पे हाय आ जाएगी वहां पे तो आशीषों की बात ही नहीं है, आशीषों तो ऑटोमेटिकली रिमूव है, खत्म है वहां से, श्रापित तो वह मनुष्य जो मनुष्य की ओर ताकता है, अगर जीवन श्रापित है तो फायदा नहीं है ना उस चीज का, तो आशीष तो आ ही नहीं सकती, अपन अगर परमेश्वर की हाय आएगी तो भी आशीष नहीं आ सकती है। यहाँ पे साफ क्लियर बता रहा है कि हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाता है, जो सहायता पाने के लिए, जो जैसे अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो अपनी नीड पूरी करने के लिए, अपनी हर एक छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो संसार की ओर ताक रहे, परमेश्वर उनको कह रहे हाय उन पर, परमेश्वर हाय बोल रहा है, जो घोड़ों का, घोड़ों क्या है, ये नहीं कि हाथी घोड़ों का आसरा ले रहे हैं, नो, घोड़ों का मतलब इसमें दे रखा है कि संसार से आसरा ले रहे हैं, उनकी चीजों का, उनकी उनकी चीजों पे, जैसे अपना नौकरी बिजनेस हो गया या जॉब हो गई, उसी पे हम, उसी पे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हो रखे हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट, भरोसा उन्हीं पे कर रखा है, भाई जॉब करेंगे तो ही खाना मिलेगा, मैं नहीं कमाऊंगा तो कैसे होगा, जॉब करूंगा तो ये सब होगा, पर नो, उन्हीं पे निर्भर है, तो परमेश्वर उन चीजों को हमारे आगे से क्या कर देता है, हटा देता है, बट जिस चीज पे तो भरोसा कर रहा है ना, जिस चीज पे तो भरोसा कर रही है, परमेश्वर उन्हीं चीजों को अपने लोगों से, भले कोई लोग हो, भले मनुष्य हो, भले कुछ भी हो, भले कोई ऐसी वस्तु हो, परमेश्वर हर उलझाने और रोकने वाली वस्तु को, उन्हीं चीजों को दूर करता है हमारे जीवन से,
क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा उन पर ना जाए। परमेश्वर कहता है बेटा मेरी और ताकत, तो परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा ना, वो मनुष्य नहीं कर सकता, ठीक है। और लेकिन और सवारों पर, क्योंकि वे अति बलवान है, उनको हमें लगता है, वो क्या लगता है कुछ लोगों को कि भाई नहीं ये तो भाई बहुत बलवान है, भैया ये जॉब में तो इतना पैसा मिलेगा, इतना ये सब मिलेगा, आत्मा नरक चले जाए उसकी फिक्र नहीं है, पर जॉब से इतना पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा, नो। यहाँ पे क्या लिख रहा है कि क्योंकि वे अति बलवान समझते हैं उन चीजों को, उन मेटीरियल ब्लेसिंग को, मनुष्य को इतना ज्यादा महत्व दे देते हैं, इतना ज्यादा ऊपर कर देते हैं कि नहीं भाई परमेश्वर तू तो पीछे, भाई तेज कर ले तो बहुत, तेज तो बहुत प्रार्थना कर ली भाई, अब इस मनुष्य के पास जाएंगे, इससे तुम्हारा पक्का रिजल्ट आएगा ही आएगा। और भाई मैं परमेश्वर दरवाजे बंद करके दिखाएगा, और वो ऐसा लज्जित, और उसी दिन के द्वारा परमेश्वर, परमेश्वर नहीं करता, शैतान को मौका मिलता है तब, और वहां से भी नाम धराई होती है, लज्जित होके वापस जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उनको अति ज्यादा बलवान, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं, उन लोगों को, उन चीजों को। पर इसराइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते। क्या कह रहे हैं? इसराइल की, और इसराइल की ओर क्या कह रहे हैं? दृष्टि नहीं कर रहे। इसराइल का पवित्र कौन है? सेनाओं का यहोवा, परमेश्वर है ना, उसकी ओर दृष्टि नहीं कर रहे, देख ही नहीं रहे उसकी तरफ, दृष्टि ही नहीं कर रहे, लग रहा है परमेश्वर क्या करेगा, इतने टाइम तो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ने नहीं करना भैया, नो। जो काम मनुष्य नहीं कर सकता ना, जो इंसान कुछ भी एड़ी चोटे का जोर लगा ले नहीं कर सकता, वो हमारा परमेश्वर कर सकता है, और वो परमेश्वर ही करेगा। अगर हमें लग रहा है कि मनुष्य कर देगा, नॉट एट ऑल, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती है ये। और ना यहोवा की खोज करते हैं, और ढूंढते भी नहीं है, ये कि नहीं कि प्रार्थना में समय बिता लें या बाइबल खोल के बैठे कि परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करेगा, ऐसा भी नहीं कर रहे, खोज ही नहीं रहे परमेश्वर को। परंतु वे भी बुद्धिमान है और दुख वे और परंतु वे भी बुद्धिमान है और दुख देगा, वे अपने वचन न टालेगा। कौन? परमेश्वर। कह रहे अपने वचन को, लेकर आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। ठीक है, वो तो दुख दे के पछताने वाला परमेश्वर है, वो अपने बच्चों को दुख देना नहीं मांगता, पर बच्चे ऐसी हरकतें करते तो एक थप्पड़ लगाना भी पड़ता है ना। अगर हमारे शारीरिक तौर से देखे, अगर हमारे माँ बाप हैं, अगर हमारे माँ बाप बैठे हैं खुद के, ठीक है, और अगर हम दुनिया की ओर ताक रहे हैं, दुनिया के तू दे दे, तू भाई आप मदद कर दो ना, आप मदद कर दो, उनके मन में क्या आएगा? क्या इनके माँ बाप नहीं है जो मदद नहीं कर सकते? तो ऐसे ही हमारा आत्मिक जीवन है, अगर हम किसी मनुष्य की ओर ताक रहे हैं तो क्या उनके मन में नहीं आएगा, अरे यार यीशु मसीह को मानते हैं तो यीशु मसीह के पास है, यीशु मसीह कहते हैं सब कुछ कर सकता है, तो क्या ये भी नहीं कर सकता? 10 लोगों में गवाही खराब होती है, तब परमेश्वर की महिमा रुकती है, और उसी वक्त आशीष आना बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है वहीं पे आशीष, और लोग बोलते हैं अरे हमारी आशीष क्यों नहीं आ रही, ये काम क्यों नहीं बन रहा, प्रार्थना में नहीं बैठ पाते इंसान, प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं, क्योंकि बहुत से फोन कॉल मेरे पास आते हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु का प्रेजेंस फील नहीं हो पा रहा, हमारी आशीषें रुकी पड़ी है, ठंडा ठंडा लग रहा है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि वहीं पे परमेश्वर की महिमा को आपने ब्लॉक कर दिया, तो आशीषें भी ऑटोमेटिकली ब्लॉक होती है इससे इससे, और परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चों की आशीषें रुके, वो तो भला भंडारी है, वो तो आशीषों का सूच, आशीषों का स्तोता है, वो झरना है, वो तो कहता है जाति जाति के धन को नदी के बाढ़ के समान बहा दूंगा, तो बाकी सब वस्तुएं क्यों? और परमेश्वर की जगह लिखा है कि एक परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, तो बाकी वस्तुएं वो क्यों ना देगा? साफ लिखा, तुम बुरे होने पर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें मांगने से ज्यादा सोते से बढ़कर क्यों ना देगा? पर हमारा मेन मकसद विश्वास और भरोसा आज किस पर है, ठीक है। और यहाँ पे आगे क्या लिखा है, आगे पढ़ेंगे, परंतु उठकर कुकर्मियों के घराने पर, अनर्थकारियों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा। जो लोग बोलते हैं ना हमें मदद करने का बहुत शौक है, देखो अगर परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई नहीं कर रहा देने के लिए, हेल्प करने के लिए अगर अगुवाई नहीं कर रहा, अगर फिर भी क्या पता सामने वाले का अगर कोई टेस्टिंग टाइम चल रहा हो, क्या पता परमेश्वर को सिखाना मांग रहा हो, पर अगर हम प्रधानमंत्री बन रहे हैं, नहीं भाई नहीं मेरे पास तो बहुत पैसा है भैया, चल ना थोड़ा सा दे दूंगी तो क्या हो जाएगा, हम इनकी मदद ही कर देते हैं, अगर बिना परमेश्वर की अगुवाई की अगर मदद भी करी तो परमेश्वर उनके लिए क्या कह रहा है? अनर्थकारियों के सहायकों पर चढ़ाई करेगा, मिस्र लोग ईश्वर नहीं मनुष्य ही है, और उनके घोड़े आत्मा नहीं मांस ही है। जिन वस्तुओं पे आज आप भरोसा कर रहे हो ना, वो कोई आत्मा नहीं है, परमेश्वर एक आत्मा है जो कि सब कुछ कर सकता है, वो मांस है। क्या मटेरियल ब्लेसिंग हमारा हमारी मदद कर सकती है? क्या कोई मनुष्य हमारी मदद कर सकता है? वो कह रहे हैं वो मांस ही है। जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा तब सहायता, अब ये वाला वचन बहुत ध्यान से सुनना कि जिनको मदद करने का बहुत ज्यादा उतावली में जो आके लोग मदद करने की सोचते हैं ना कि हम मदद कर देते हैं, छटपटाहट से मदद कर दो भाई बहुत है, वो दुख में है। क्या आपने परमेश्वर से कभी पूछा अरे वो इंसान दुख में है, क्या पता खुद की गलतियों की वजह से वो दुख में हो और परमेश्वर उसको सिखाना मांग रहा हो, पर अगर हम प्रधानमंत्री बन के बोलते हैं भाई नहीं इनकी यार बहुत दुख में है, बहुत आंसू में, चल इसकी मदद कर देते हैं, बिना परमेश्वर की अगुवाई के अगर मदद करोगे तो क्या होगा? यहाँ लिखा है जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा तब सहायता करने वाला और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खा के गिरेंगे, दोनों, जो मदद कर रहा है
और जो मदद कर रहा है और जो मदद ले रहा है, वो दोनों ठोकर खा के गिरेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की अगुवाई में पहली बार तो करी नहीं, और जिसका टेस्टिंग टाइम चल रहा था परमेश्वर उसको सिखा रहा था कि वो खुदा की ओर ताके, पर उसका भी क्या, उसके ठोकर का कारण आप लोग कैसे बनोगे? परमेश्वर उसको सिखा रहा है कि वो परमेश्वर की ओर ताके, बट आपकी मदद करने के द्वारा उसका फोकस कहाँ चला गया? मनुष्य पे चला गया। अरे चलो इसने मदद कर दी, अब चलो इसने करी है तो कल कोई और भी कर देगा। उसका भरोसा आप परमेश्वर पर से हटा रहे हो, तो उसकी ठोकर का कारण नहीं बनना, किसी एक का भी ठोकर का कारण नहीं बनना, ठीक है? और वे सब के सब एक संग नष्ट हो जाएंगे। मैंने कह रही है, बाइबल कह रहा है कि एक संग नष्ट होंगे, ये नहीं कहा अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग एक पहले मरेगा बाद में दूसरा, नो, कह रहे एक संग नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों दोनों के परमेश्वर ने बोला है, पहले तो ना गवाही मांगी नहीं, और दूसरा तो ताक रहा था परमेश्वर की, और उसका जो ताक रहा था परमेश्वर की और उसका डाइवर्ट कर दिया माइंड, किसकी छोटी सी गलती की वजह से, कि हमने परमेश्वर की बिना अगुवाई की उसकी मदद कर दी। तो आज जितने लोग भी मदद कर रहे हैं लोगों की, या लोगों की मदद करने का बहुत ज्यादा जज्बा है, तो इस बात को बहुत ज्यादा केयरफुली ध्यान से सोचना, बिना परमेश्वर की अगुवाई के कुछ भी मत करना। परमेश्वर की अगुवाई कह रही है, परमेश्वर कह रहे हैं कि इसको हाथ बढ़ा, इसको फाइनेंशियली ब्लेस कर, ये खाने की मदद करके आ, तो 2000% एक नहीं 10 बार करो, कोई दिक्कत नहीं। पर जब तक परमेश्वर का आत्मा कह रहा है नो, जब परमेश्वर की नो आ रही है, अगर फिर भी आप वो काम कर रहे हो ना, तो फटका खाने वाली बात है, आई समझ रहे हो? तो इसीलिए जो भी काम कर रहे हो परमेश्वर की ओर से करो, ठीक है? और यहाँ पे एक और वचन पढ़ेंगे कि हमें लगता है कि परमेश्वर सुनता नहीं है, पर यहाँ पे यशाया का ही 30:19 पढ़ेंगे। हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोओगे, और तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुमको मैं निश्चय अनुग्रह करूंगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। हम बोलते हैं इतनी इतना टाइम से, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर नहीं आ रहा है, डिले हो रहा है, और उसकी इसके बाद हमारा कहाँ चला गया भरोसा कि वो मनुष्य से सुधार देगा, ये मनुष्य हो देगा, उसकी मनुष्य ही मदद कर देगा। हमारा भरोसा कहाँ चला गया? मनुष्य की ओर चला गया, ठीक है? पर यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, भाई जहाँ जिस कंडीशन में हो उसी कंडीशन में तुम रहो, जैसे तुम मेरे साथ लगे हुए हो, लॉलिन हो, प्रार्थना करने में, डीप इंटीमेसी में बने रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, तुम फिर कभी ना रोओगे। परमेश्वर साफ कह रहे हैं कि तुम कभी रोना नहीं पड़ेगा तुम्हें, जब तुम मेरी ओर ताकोगे ना, मेरी ओर ज्यादा फोकस करोगे, तुम्हें कभी रोना नहीं पड़ेगा, ठीक है? और वह तुम्हारी दुहाई देते, दुहाई सुनते ही, ये लिखा है कि दुहाई सुनने के 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद, नो, लेकिन दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। जैसे पौलुस के जीवन में भी एक कांटा था, सब जानते होंगे पौलुस के जीवन में एक कांटा था, बहुत चुभ रहा था उसको। हमारे जीवन में कुछ कुछ समस्या ऐसी होती है जो हमें बहुत चुभती है, बहुत ज्यादा, भले कुछ सिचुएशन हो, भले कुछ लोग, कुछ भी हो सकता है ऐसा कि हमारे में लगता है अरे प्रभु कितना कितना कितना, और बट पौलुस के जीवन में कांटा चुभा रखा था। कांटा क्यों? कि उसको घमंड ना आ जाए। अगर हमारे जीवन में कांटा ना हो तो हमें घमंड ना आ जाए, भैया मैंने किया है, मैंने, और मैं का आत्मा किसका? लूसीफर का आत्मा, इबलिस का, राइट? तो परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए काफी। जब पौलुस के पैर में कांटा लगा तो पौलुस ने क्या बोला? प्रभु एक कांटा निकालने पर, पौलुस ने बोला कि परमेश्वर, पौलुस ने परमेश्वर को बोला कांटा निकालने के लिए, तो प्रभु ने क्या बोला? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो वही अनुग्रह परमेश्वर बोल रहा है कि निश्चय गारंटेड है, ये लेगा कि अनुग्रह करेगा, लेकिन निश्चय अनुग्रह करेगा। जिस समस्या से आप लोग निकल रहे हो, जिस समस्या में आप डूबे हुए हो, अगर आप मनुष्य की ओर ना ताके परमेश्वर की ओर ताक रहे, तो परमेश्वर कह रहे हैं गारंटेड है कि वो तुम पर अनुग्रह करेगा ही करेगा। ये ऐसा होने से कोई, ऐसा आयुब ने कहा था, आयुब का क्या हुआ था? सब कुछ चला गया था, पर उसने फिर भी एक स्टेटमेंट क्या दी थी? मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, आमेन। तो आज हमें भी निश्चय होना पड़ेगा, निश्चय होना चाहिए कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। अगर खुदा का अनुग्रह वो बोल रहा है कि निश्चय अनुग्रह करेगा, तो आज हमें भी गारंटी होनी चाहिए कि निश्चय होना चाहिए कि परमेश्वर कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, ठीक है? और अगर किसी के मगर सहायता कर भी रहे हैं, मदद कर भी रहे हैं, तो हमें कुड़कुड़ा के भी नहीं करनी है कि हम किसी यार देना पड़ेगा, परमेश्वर ने बोल दिया, अरे परमेश्वर का आत्मा तो बोल रहा है इसको देने के लिए, बट मन नहीं है मेरा देने का। क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है, प्रभु और परमेश्वर कहाँ पे बोने के लिए बोलेगा? कि जिनकी तुम शक्ल देखना भी पसंद नहीं करोगे। क्या हम बोलेगा प्रभु इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है, तू कह रहा है इसको जाके बोल दू? नॉट एट ऑल। बट नहीं, अगर खुदा का आत्मा कह रहा है तो आपको करना पड़ेगा। और जो आशीष है तो बोने के बाद और बिना कुड़कुड़ाए, अगर कुड़कुड़ा के मायूसी के साथ अगर हम कर रहे हैं उस काम को, हेल्प कर रहे हैं, परमेश्वर उससे भी खुश नहीं है। परमेश्वर ने कहा वो हर से देने वालों से प्रसन्न होता है। लिखा है छोटे के साथ किया, वो तूने मेरे साथ किया। बट अगर प्रभु की अगुवाई में कर रहे हो तो बेस्ट है, अगर परमेश्वर की अगुवाई में नहीं है वो काम तो छोड़ दो। कहीं पे भी छोटी से छोटी बात के लिए परमेश्वर से अगुवाई मांगना शुरू करोगे तो परमेश्वर कार्य करेगा।
और बस सुनते ही तुम्हारी मानेगा, मानेगा मतलब सुनेगा, हमारी प्रार्थना को सुनेगा। भाई जैसा मांग रहेगा, हमें धन चाहिए तो वो धन मुहैया करेगा, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी मुहैया करेगा, लोग चाहिए तो लोग भी मुहैया करेगा। तो तब कब, जब हम अपना भरोसा खुदा पर रखेंगे तब। शापित नहीं, हमें आशीषित बनना है, क्योंकि हमें आशीष का सोता, हमें भी बोला है परमेश्वर ने कि हम आशीष का सोता है। अगर हमारे जैसे आशीष का सोता कैसे, अगर हमारे पास कोई आता है हमसे एक बार ही कोई बात कर लेता है, क्या आज हमारे पास कोई एक बार आता तो क्या वो बोलता है कि दोबारा बात करने का मन करता है? आज हमें अपने अंदर जांचना है, क्योंकि लिखा थोड़ा खमीदी पूरा गुंडा आटा खराब कर रहे हैं। भले आप 10 पैसा दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, भवन आ रहे हो, जा रहे हो, सेवकारी सब कुछ कर रहे हैं, अगर लिखा है थोड़ा सा अगर खमीर है ना तो पूरा गुंडा आटा खराब हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। एक काय की गलती ये हो जाए, सब में से एक गलती है कि मनुष्य की ओर ताक रहे हैं। दूसरों को तो हम सिखा ले कि खुदा की ओर ताको, पर हम कहाँ ताक रहे हैं? भैया कोई आ जाए, कोई कर दे, भैया किसी के पास चले जाते हैं, नो, किसी के पास आने जाने कहीं नीड नहीं है। पर वो कह रहा है तो जहां पर है, यहाँ पे क्या लिखा है, तुम्हारी दुहाई बसे रहो, हे यरूशलेम में बसे रहो, जिस जगह पे परमेश्वर ने ठहराया वहीं पे रहो, हमारा बैटल फील्ड वही है। कोई मनुष्य कुछ नहीं करेगा सिवाय परमेश्वर के, परमेश्वर जो करेगा वो मनुष्य से बेस्ट करेगा, बेस्ट नहीं डबल ट्रिपल बेस्ट करेगा। मैम परमेश्वर के कह रहे हैं उसी वक्त तुम्हारे सुनेगा। और आज से हम सब लोगों को क्या, मुझे भी और आपको क्या करना है, जब भी कुछ लग रहा है, कोई डिले हो रहा है प्रार्थना में या कुछ भी समस्या दिख रही है, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के सामने जाके घुटने टिकाने, फोन के पास नहीं भागना, ये बात अपने दिमाग में से निकाल देना, फोन नहीं घुमाना कहीं पे भी, कहाँ जाना है, थ्रोन के पास, थ्रोन के पास, प्रभु के सिंहासन के निकट जाना है, राइट। और एक वचन हम और पढ़ेंगे लास्ट, यशाया का ही 30 का ही हम पढ़ेंगे, 18 से पढ़ेंगे। और अगर हम फिर भी, परमेश्वर इतना समझा रहा है कि बेटा मेरे पास आ जा आ जा, फिर भी हमारी इतनी नलायकियों के बाद भी अगर हम फिर संसार की ओर ताक रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं, प्रभु सह रहे हैं, अगर इसके बाद भी अगर हम नहीं समझ रहे तो क्या है, तो भी यहोवा इसीलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, फिर भी वो विलंब कर रहा है, फिर भी वो धीरज धरा, चल मेरा बेटा आज नहीं कल सुधर जाएगा, आज नहीं कल सुधर जाएगा, है ना, वो अनुग्रह कर रहा है, अनुग्रह कर रहा है, विलंब से अनुग्रह करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। और इसीलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, वो ऊंचा उठने अपने सिंहासन से उठने के लिए भी तैयार है कि वो तुम पर दया करे, दया करने के लिए भी वो तैयार है। पर तब कब दया करेगा वो, जब हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे, तो परमेश्वर की ओर ताक ही नहीं रहे, मनुष्य की ओर ताक रहे तो फिर बोलते प्रभु हम पे दया क्यों नहीं हो रही, हमारा ये काम क्यों नहीं बन रहा, भाई प्रभु पहले तो इसे सुधार दे, प्रभु पहले तो ये कर दे, भाई ये कर दे वो कर दे। और उसे कह रहा है बेटा मैं कब करूंगा, जब तू मेरी अपना दिमाग चलाना, लेकिन अपने बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड करे, ना वीर अपनी वीरता पे घमंड करे, घमंड करे तो किस बात पे घमंड करे, कि वह परमेश्वर को जानता और समझता है। क्या हम परमेश्वर को समझते हैं, क्या मानते हैं? अगर समझते हो तो शायद हम मनुष्य की ओर नहीं ताकते। ये वचन इसलिए, ये वचन प्रभु ने आज मन में डाला कि ये वचन सिखा लोगों को, बता, क्योंकि जब प्रभु ने मेरे जीवन जब गवाही बनाई तो मुझे लगता है कि नहीं, इवन प्रार्थना तक के लिए भी लोग ना ताके। ऐसा नहीं कि ये प्रार्थना करना नहीं मांग रही है, भैया प्रार्थना करना नहीं मांग रहे, ऐसा नहीं, प्रार्थना करना मांग रहे, प्रभु ने इसलिए हमें ठहराया है, 2000 पढ़ना खुदा के दाल दासी को, अभिषिक्त को इसलिए ठहराया है। हमने एक अपने पास्टर से भी हमने यही सीखा है, उन्होंने हमें एक ही बात शिक्षा दी है कि कभी भी ना मैं हमारी और भी मत ताकना, कभी को समस्या आ जाए तो, क्योंकि जो संकट में बाइबल में लिखा है कि मैं संकट में तुरंत मिलने वाला सहायक हूँ, सहायक हूँ। किसी और फोन में मिलाओगे ना तो वो 10-15 आधा घंटे 2 घंटे बाद ही आएगा, अगर प्रभु को फोन मिलाएंगे ना वो 24 घंटे ऑनलाइन है, पर हम ऑफलाइन हो जाते हैं पर वो ऑनलाइन ही रहता है। पर हमें क्या करना है, व्हाट्सएप पे लोग ऑनलाइन रहते हैं पर खुदा के साथ ऑनलाइन नहीं रहते हैं, तो हमें क्या करना है, खुदा के साथ भी ऑनलाइन रहना है, क्योंकि खुदा तो 24 घंटे ऑनलाइन है। अगर खुदा खुदा ऑनलाइन है तो क्या रिप्लाई नहीं करेगा वो तुरंत, ये नहीं कि आज मैसेज किया तो भाई कल रिप्लाई कर रहा है, नो, वो तुरंत सीन करके रिप्लाई करता है। और कभी कभी कब नहीं करता, जब कुछ सिखाना मांगता है, कुछ हमें सेट करना मांगता है कि बेटा नहीं तेरी ये डायरेक्शन थोड़ी गलत जा रही है, उसको सीधा करना मांग रहा हूँ क्यों। और हम परमेश्वर में दोष नहीं लगा सकते, दोष लगाना चालू हो जाते हैं कि ओ हो परमेश्वर तूने ऐसा क्यों करा, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होना था, मेरे साथ ही क्यों हुआ, हम ऐसा ऐसा बोलते हैं परमेश्वर से। और जो लोग दुखों के सामने समय परमेश्वर से लड़ते हैं ना, उनके लिए भी एक वचन पढ़ाऊंगी इसके बाद। आगे क्या लिखा है, दया करे क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है, प्रभु न्यायी है। ये नहीं कि अगर आप आके और ताक रहे हो तो भी तुम्हारी आपकी मदद करेगा, नॉट एट ऑल, वो मदद नहीं करेगा। क्यों लिखा है कि जिस वक्त तूने पुकारा उसी वक्त मैंने तेरी सुन ली, बाइबल में ऐसा लिखा है। और जब हम पुकार ही नहीं रहे परमेश्वर को तो वो सुनेगा भी कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी सोनिया को बोल रही हूँ, सोनिया सोफिया, अगर मैं इनको पुकार रही तभी तो ये सुनेंगी मेरी, अगर मैं इनको पुकार ही नहीं रही तो ये सुनेंगी क्यों, इनको तो पता भी नहीं चलेगा कि हम इन्हें पुकार रहे हैं।
राइट। तो इसी वजह से जब तक हम परमेश्वर को पुकारेंगे नहीं तो परमेश्वर हमारी सुनेगा भी नहीं। हमें पुकारना है परमेश्वर को, कोई भी समस्या लग रही है, कुछ भी लग रहा है, तो हमें परमेश्वर की ओर ताकते हुए परमेश्वर को पुकारना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमसे परमेश्वर यही डिमांड करता है कि हम उसकी ओर ताकें, और क्योंकि लिखा है उसकी ओर ताकने वाले के कभी मुंह काले नहीं होते। जैसे कि पढ़ाया कि लज्जित होना पड़ेगा, लज्जित नहीं होना पड़ेगा जब परमेश्वर की ओर हम ताकेंगे। और लिखा है कि धन्य है, यहाँ पे एक और लास्ट में वचन लिखा है कि धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। अब एक जगह तो कह रहा है शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य की ओर ताकता है, पर लिखा है धन्य है जो यहोवा पर आशा लगाए रहते हैं। अब ये चुनाव हमारे हाथ में कि हमें धन्य बनना है कि शापित बनना है, परमेश्वर की हाय लेनी है या फिर आशीषित होना है। ये बातें हमारे ऊपर है, ये चुनाव हमारे हाथ में परमेश्वर ने दिया है। अगर हम धन्य बनना चाहते हैं तो आज से हमें अपनी आशा, हमारी निगाहें कहाँ कहाँ होनी चाहिए? परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। परमेश्वर सेकंड और उत्तर देगा, एक बार करके तो देखो। कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है ना, लग रहा है ना, किस सोचो, भले खांसी का हो, भले जुकाम का हो, भले सर दर्द, पेट दर्द, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। सिर्फ पापों की क्षमा मांगनी है, 10 हजार और अनॉइंटिंग ऑयल आप अप्लाई कर सकते हो। अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करो और पापों की क्षमा मांगो। लिटरली आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, 20 नंबर से गलती हो गई थी। हमारा 24x7 ग्रुप बन रखा है, मैं गवाही के तौर पर शेयर कर रही हूँ बस, कि वहां पे मेरी, जैसे आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम चल रहा था, और उसके दौरान मेरे साथ ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी ना, मैंने अभी तक भी किसी को इतना खुल के नहीं बताया। बहुत ज्यादा सिचुएशन, ये मेरे हस्बैंड से, मेरे हस्बैंड और मेरे परमेश्वर को पता है, बहुत ज्यादा सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी। और मन करता था कि रिक्वेस्ट डाल दूंगा कि वो ग्रुप ऐसा बनाए कि इसमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, तब प्रार्थना करते हैं उसमें। बट एक बात मन में आती है, प्रभु वो लोग भी तो तेरे से ही प्रार्थना करेंगे और हम लोग भी तो तेरे से प्रार्थना करेंगे, क्यों ना मैं पापों की क्षमा मांग कर तो उसे डायरेक्ट ही प्रार्थना कर लूं। और जब लिटरली जब मैंने इस बात को अपना जीवन में अनुभव किया, प्रार्थना प्रार्थना करती, पापों की क्षमा मांगते ही जब प्रार्थना करनी शुरू करी, लिटरली विद इन अ सेकेंड मैंने अपने जीवन में रिजल्ट देखा, विद इन अ सेकेंड। अगर रिक्वेस्ट डालती तो क्या होता, क्या परमेश्वर? तो अविश्वास वाली बात थी ना कि हाँ भाई, मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, उन्हीं की सुनेगा। प्रेयर रिक्वेस्ट डालने को डाल सकते हैं, मना नहीं करता, बाइबल भी मना नहीं करती ऐसा कुछ, पर एक विश्वास को बढ़ाने वाली बात है। अगर हमारा विश्वास मजबूत होगा ना तो ही हम दूसरे को मोटिवेट कर पाएंगे। अगर खुद का विश्वास ऐसा है कि होगा नहीं, होता ही नहीं है, ये इंसान तो ऐसा है, ये इंसान तो ऐसे, अगर ऐसा गंदा विश्वास है तो दूसरों को मोटिवेट क्या करेंगे? लेकिन एक अंधा दूसरे अंधे को कभी मार्ग नहीं दिखा सकता। तो हमें अंधा नहीं बनना, हमें आंखें खोल के रखनी, आत्मिक आंखें भी और शारीरिक आंखें भी हमें खोल के रखनी है, ताकि हम औरों को भी रास्ता दिखाने वाले बने। लेकिन अंधे अंधों की आंखें खोलनी है, किसकी आंखें? अंधों की। जो आत्मिक अंधापन है वो भी लोगों का दूर करना है, और शारीरिक अंधापन भी हमें लोगों का दूर करना है बाय द प्रेयर्स। ओके, छोटी छोटी प्रेयर रिक्वेस्ट होती है, बहुत से लोग भेजते हैं, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये छोटी छोटी प्रेयर्स हैं। पापा की क्षमा मांगते हैं, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करते ही परमेश्वर छुटकारा करेगा, पर हमारा भरोसा लोगों पर नहीं। ये कभी भी मत सोचना कि मैं प्रार्थना करूंगी, भैया प्रार्थना करेंगे, कुछ होगा। नो, होगा, यकीन रिजल्ट आएगा, 2000% आएगा। करने वाला परमेश्वर है, पर परमेश्वर इस्तेमाल करता है। और यहाँ पे एक वचन, और जो लोग समस्या के समय, मेन पॉइंट, जो लोग समस्या के समय परमेश्वर से लड़ते हैं, बहुत से लोग लड़ते होंगे, मैं जानती हूँ, अरे परमेश्वर ऐसा तूने मेरे साथ ही करना था, ओहो ये समस्या मेरे साथ ही होनी थी, ये होना था, वो होना था। जो लोग परमेश्वर से लड़ जाते हैं ना, तो उनके लिए एक वचन है, यशाया का 45:9। यशाया 45:9 हम पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? हाय उस पर, पहले हम सब ये जानते हैं ना कि हमारा रचने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। ये क्लियर कर दूं कि हमारा रचने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। और यहाँ पे वचन वचन लिखा है कि सृष्टि और इतिहास का प्रभु, उसके नीचे ये 9th वर्स, हाय उन पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, एक ही लाइन पढ़ानी थी, परमेश्वर कह रहा है हाय है उन पर जो लड़ता है परमेश्वर से। और परमेश्वर की हाय कोई भी लेना नहीं चाहता, इवन ना मैं और ना ही आप सब लोग, परमेश्वर की हाय ना आए, इसीलिए हमें क्या करना है? झगड़ना नहीं है, दीनता नम्रता से। देखिए दीन होके मेरे पास आ, मुझे कहता दीनों पे वो अनुग्रह करते हैं, जैसे हमने पढ़ते हैं, निश्चय वो अनुग्रह करेगा। कब करेगा? जब हम दीनों के परमेश्वर के सिंहासन के पास जाएंगे, निश्चय गारंटेड वो हम पे अनुग्रह करेगा और अपनी करुणा हम पे बरसाएगा, और राइट टाइम पे प्रभु अपनी मेह भी बरसाएगा। तो आज से हमें परमेश्वर से झगड़ना नहीं है, परमेश्वर ऐसा क्यों हो गया कि मेरे साथ ये होता है, ये है, वो है। परमेश्वर हमें एक सहने की शक्ति देना चाह रहा होता है, हमें पेशेंस लेवल देना चाह रहा होता है, पर हर बार फेल 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 फेल, एक बार, 2 बार, 3 बार, अगर हर बार अगर हम एक्सक्यूज देंगे कि नहीं परमेश्वर मुझसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा,
में, और झगड़ेंगे परमेश्वर से, तो कभी से साफ ही कह रहा है कि हाय उन पर जो अपने रखने वाले से लड़ता है। तो आज से अगर जितने लोग लड़ते थे परमेश्वर से, उनसे लड़ना नहीं है, सिर्फ परमेश्वर से दीन होकर बोलना है। पर वो मैं चाहता हूँ ऐसा है, ऐसा हो जाएगा, परमेश्वर से एक रिक्वेस्ट की तरह बात करनी है। एक बाप है वो हमारा, वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो अलादीन का चिराग नहीं है कि जैसा हम चाहेंगे छुट्टियों में वो ऐसा कर देगा। लेकिन जो परमेश्वर हमें वो नहीं देता जो हम मांगते हैं, परमेश्वर हमें वो देता है जो हमारे लिए बेस्ट होता है, क्योंकि तो वो यस में नहीं बेस्ट में उत्तर देता है। आमेन। तो वो हमें बेस्ट में उत्तर देना मांगता है, वो चाहता है कि उसके बच्चे फलवंत हो और बेस्ट में उत्तर पाए। अगर अभी से हमने आज से नहीं सीखा गया ना कि संसार की ओर नहीं ताकना, परमेश्वर की ओर ताकना, अगर हमने आज भी अगर ये बातें नहीं सीखी, ये बातें अगर हमें आज भी समझ नहीं आई, अगर कल को परमेश्वर आप लोगों को मिनिस्ट्री देगा, सेवक ही देगा, ये बड़े लेवल पर जाने के लिए छोटे 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 खमीर होते हैं, लोमड़ी आए छोटी 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 छोटी, इनको हमें अपने जीवन से क्या करना है, दूर करना है, खत्म करना है। प्रभु मेरा सबको ये निश्चय होना चाहिए, बिल्कुल आज से सबको गारंटी होना चाहिए कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, निश्चय हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। सबको पहले तो ये पता होना चाहिए। हमें लगता है प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता, और प्रार्थना अगर नहीं भी सुन रहा, मैं बोल रही नहीं भी सुन रहा, तू दे तो मेरा परमेश्वर, ना दे तो तू मेरा परमेश्वर, हमें ऐसा बनना है। क्योंकि उसके सिवा तो वैसे पतरस ने कहा था जीवन की बातें तो प्रभु तेरे पास ही है, तुझे छोड़ मैं कहाँ जाऊं, तो जीवन की बातें तो प्रभु के पास है, उसको छोड़ हम कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा सकते। और दूसरी बात इस टॉपिक से थोड़ा हटकर है, बट मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि हर एक जन एक दूसरे को जो कमजोर लग रहा है ना, प्रार्थना में उठाने की कोशिश करना आज से, जो भी जन कमजोर है प्रार्थना में वचनों में, हर एक जन को उठाने की कोशिश करनी है। कैसे? अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, और जैसे बताया कि हाथ बढ़ाने मदद करने के द्वारा, बट परमेश्वर की अगुवाई में, हर एक चीज खुदा की अगुवाई में। तो आज हमने वचनों से यही सीखा है कि हमें, और यहाँ पे एक वचन है यशाया का ही 45:5 पढ़ेंगे, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर तू मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। आमेन। परमेश्वर कह रहा है कि अगर तू मुझे नहीं भी जानता, तुझे लगता है ना मैं प्रार्थना को उत्तर नहीं देता हूँ, मैं तुझे जवाब नहीं दे रहा, तुझसे प्यार नहीं करता, अगर ये थॉट्स तेरे दिमाग में आ रहे हैं, पहले बात ये थॉट्स आने नहीं चाहिए, शैतान की ओर से होते हैं। अगर किसी भी समस्या में है ना, जैसे बताया कि प्रार्थना में डिले हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तब वो यहाँ पर भी बता रहा है कि फिर भी मैं तेरी कमर कसूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बाइबल में लिखा है ना, कभी वो छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, जगत के अंत तक, लेकिन दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ इस बात से, शायद मेरी गवाही बहुतों को नहीं पता होगी अच्छे से, दूध पिलाने वाली माँ भी तुझे छोड़ देगी, पर मैं कभी ना छोड़ूंगा, मैं कभी ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे संग हूँ, सदैव बोला है इटर्नल लाइफ तक वो हमारे साथ है, था और हमेशा रहेगा। था भी जब हम परमेश्वर को नहीं भी जानते तो भी हमारे साथ था, उसने हमें संभाला, पर जब जान गए हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर कभी हमें छोड़ेगा नहीं, ना कभी त्यागेगा, और वो बहुत भला परमेश्वर है, क्योंकि तो उसकी करुणा सदा की है। आमेन। तो हमें इस बात का थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि अगर अगर हम इस बात को अगर अभी समझ जाएंगे, और आज से अपने जीवन में अनुभव करके देखना, आज समा के देखना, जो काम नहीं हो रहा था ना, खुद से घुटने लगा के प्रार्थना करने शुरू करना सीरियसली, परमेश्वर अगर आग से ना भरे ना, मेरा नाम बदल देना, आग से भरेगा परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य अपनी नई कुवत से भरेगा परमेश्वर। आप खुद कहोगे वाह मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है, बस पापों की क्षमा मांगते हुए संसार की ओर ना ताकते हुए परमेश्वर से अपना रिश्ता। सबसे बड़ी बात की कितनी भी अगर हम प्रार्थना करें, सब कुछ करें, सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर का रिश्ता अच्छा होना जरूरी है। परमेश्वर का अगर रिश्ता अच्छा नहीं है, दुनिया के रिश्ते बहुत निभा के देखे कुछ नहीं मिला, पर परमेश्वर के साथ रिश्ता आपका कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। क्योंकि तो बहुत से लोग जैसे मांगते हैं कि प्रभु कोई बुरा ना मान जाए, नो, अपना रिश्ता किसके साथ अच्छा करना है, परमेश्वर के साथ अच्छा करना है। दुनिया के अपोस्टल, मैं उनकी प्रीचिंग सुन रही, अपोस्टल अंकुर नरेला जी की मैं प्रीचिंग सुन रही थी, कि उनको बहुत से लोगों ने इनवाइट कर रखा था बहुत जगहों पे, बट वो एक जगह पर भी नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर ने मना कर दिया था कि नो। अगर पवित्र आत्मा अगर मना करे, जैसे अगुवाई के बारे में आज मैं बताना मांग रही हूँ, क्योंकि तो जब मैंने भी अपनी लाइफ में अगुवाई नहीं मांगी तो मैंने बहुत फटके खाए थे, पर जैसे खुदा की अगुवाई मैंने शुरू करी, चलना शुरू किया, तब 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 परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी, और आज तक कभी कोई वो नहीं हुआ। अगर उनने उनकी क्या गवाही थी, उन्होंने बताया, प्रीचिंग सुन रही थी, उसने बताया कि बहुत से लोगों ने उनको इनवाइट किया, बहुत जगह पे बोला आने के लिए, वो किसी की भी, इवन अपने मतलब क्लोज से क्लोज के पास भी नहीं गए, नहीं गए। ये बता रही कि संसार की ओर नहीं ताकना, संसार पे भरोसा नहीं रखना, संसार को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? कि आप जैसे बताया कि अगुवाई में मदद करनी है, तो ये नहीं कि यार बुरा ना लगता है, सिर्फ सामने वाले की मदद कर ही देते हैं, नो।
पवित्र आत्मा की नो है ना, सामने वाला बुरा मान जाए कोई दिक्कत नहीं, अभी उसको बुरा लग रहा है क्योंकि हमारे चर्च में ऐसी गवाहियां आई हैं कि हमारे खुदा की दासी को भी बोला था किसी ने, सॉरी किसी ने मदद मांगी थी पर खुदा की दासी को मना कर दिया था नो, उसको कुछ 2,000 रुपए की किसी चीज की जरूरत थी कुछ अमाउंट की, तो खुदा पर पवित्र आत्मा ने बोला था अभी इसकी तो मदद मत कर, पर सीरियसली उसके बाद जो गवाही आई ना उस लड़के की, सॉलिड गवाही आई थी कि सच में उसने खुद गवाही दी, सच में मैंने मांगा पर वहां से प्रभु की आत्मा ने मना करा, पर सच में जब मैंने परमेश्वर की ओर ताका तो लिटरली मुझे किसी से मांगना भी नहीं पड़ा, और सब उसके मिरेकल मनी कहाँ से आ गई, कहाँ से प्रभु ने मुहैया कर दिया उसको आज तक खुद नहीं पता, और आज सच में ब्लेसेड है। आमेन। तो ये सिखाना मांग रही, खुदा दुनिया को खुश नहीं करना, हमें परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर को खुश करने वाले काम करने हैं, प्रभु कह रहे हैं। और एंड एंड टाइम तक कभी भी आप लोग प्रार्थना करो, हमेशा यही मांगो, क्या परमेश्वर मेरा जीवन तुझे भाने वाला है, क्या परमेश्वर मेरा जीवन तुझे भा भी रहा है, क्या तुम मुझसे प्रसन्न भी है, यीशु के नाम में तो भाई पावर है, चमत्कार होंगे, बोलने वाला प्रीचिंग कराने वाला कौन है, मैं नहीं हूँ, पवित्र आत्मा है। मेरा ये टॉपिक नहीं था, मैं इस बारे में बोलना भी नहीं चाह रही थी, बट मुझे नहीं पता कि मैं क्यों बोलूँ, यकीन किसी की जरूरत है क्योंकि परमेश्वर यूं ही कुछ नहीं बुलवाता है, तो प्रीचिंग के लिए जब भी आप लोग बैठोगे तो पता लगेगा कि पवित्र आत्मा अपने आप ऑटोमेटिकली बुलवाता है, कोई मनुष्य अपने आप से प्रचार नहीं कर सकता जब तक खुदा का आत्मा ना चाहे। आमेन। तो इस बात के लिए बता रहे थे कि अंकुर जो वो खुदा के दास थे तो वो किसी के पास नहीं गए किसी की, और जब उनकी मैरिज थी, खुद की मैरिज की बात बता रहे हैं, उनकी उन्हें टेस्टिमनी खुद की मैरिज थी ना, लोगों को रोकना पड़ा, जो जिनकी जिनकी शादियों में वो नहीं गए थे, जिनके आने जाने में वो नहीं गए थे, वो लोग आने के लिए तैयार थे, कैसे, सिर्फ उन्होंने क्या किया, वचन को इज्जत दी, होली स्पिरिट कह रहा है उन्होंने ऐसी भी गवाही दी है कि बहुत से लोग घूमने जा रहे होंगे बट पवित्र आत्मा कहेगा नो तुझे नहीं जाना, तुझे यहाँ बैठ के प्रार्थना करनी है, तो आपको वो भी करना पड़ेगा, लग रहा होगा अरे यार मेरे को तो जाना था, मैंने तो पूरी पैकिंग कर रखी सब कुछ कर रखा है, पर जैसे निकलने लगोगे पवित्र आत्मा की आवाज आएगी नो तुझे नहीं जाना, तुझे यहीं बैठ के प्रार्थना करनी है, किन लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ उनको तो इंजॉय करने दे जाने दे, पर तुझे नहीं जाना, तू यहीं रुके घुटने टिका, घुटने तू घुटने टिकाएगा तो प्रार्थना ऑब्वियसली परमेश्वर सुनेगा, तेरी प्रार्थना के तौर मैं बड़े बड़े वहां पे काम करूंगा, हमारे जाने ना जाने से काम नहीं रुकता, राइट। हमें क्या करना है, परमेश्वर के आगे घुटने टिकाने हैं, यकीनन किसी की जरूरत है, लिटरली मैं अपने को बहुत कंट्रोल कर रही हूँ इस बात में, रोकू रोकू बट नहीं रुक रहा, ठीक है। तो क्या करना है, संसार की ओर नहीं ताकना है और संसार को खुश नहीं करना है, लेकिन संसार को खुश करना परमेश्वर से बैर करना है, और जो संसार को खुश करता है उसमें परमेश्वर का प्रेम ही नहीं है, अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर था परमेश्वर को खुश करने वाले काम करोगे, परमेश्वर ने कहा कि दुनिया की ओर नहीं ताकना तो आप नहीं ताकोगे, दुनिया को खुश नहीं करना तो आप नहीं करोगे, ये वचन परमेश्वर का आत्मा आपसे बोले और बातचीत करे आज कि हाँ परमेश्वर का आत्मा क्या बोल रहा है, जिससे उनकी गवाही बता रही थी कि उन्होंने क्या बोला कि उनको होली स्पिरिट ने उनको बोला कि नहीं तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं रुकेगा, तुझे यहीं पे प्रार्थना करनी है, उनको जाने दे, पर लिटरली उनकी खुद की मैरिज से लोगों को रोकना पड़ गया था, भाई रुक जाओ जगह कम पड़ गई थी, और जिन लोगों की शादियों में पार्टियों में अगर वो नहीं गए थे ना, वो लोग भी पलट पलट के उनके पास आ रहे थे, क्यों परवाह नहीं करी उन्होंने कि वो बुरा मानेगा वो नो, आज से एक बात गांठ बांध लो कि दुनिया को अच्छा लगे ना लगे वो काम आपको करना है, मतलब प्रभु की अगुवाई में, दुनिया को अच्छा लग रहा है प्रभु प्रभु कह रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे बोल दे, लिखा है सामने वाले को चिता दे और बता दे, वरना उसे खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा, वो तो अपनी दुष्टता में मरेगा ही मरेगा पर उसे खून का लेखा मैं तुझी से ले लूंगा, सामने वाले को बता के छोड़ना है, करना ना करना सामने वाले के हाथ में है, राइट। हमें सामने वाले को बताना है, ये नहीं कि गलती कर रहा है तो उसको बताना ही नहीं, बताना है, बता के छोड़ दो प्रभु अपने और यीशु के लहू से हाथ धो लो, भाई मैंने तो बता के प्रभु छोड़ दिया, बाकी मानना ना मानना सामने वाले के ऊपर है। आज हमें क्या करना है, परमेश्वर के अपने नाते को अच्छा करना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है पूरी मसीह जीवन की सबसे बड़ी बात है कि लोगों का रिश्ता आज परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है, और ठीक ना होने के कारण आशीष नहीं है, और आशीष के ना होने के कारण जीवन श्रापित है, राइट। तो श्रापित जीवन को आशीषित करने के लिए हमें क्या करना है, अपने परमेश्वर के साथ रिश्तों को अच्छा करना है, मजबूत करना है, मजबूत क्या करना है, सिर्फ परमेश्वर की वाणी को सुनते हुए आगे चलना है, उठते बैठते चलते फिरते अपना रिश्ता ऐसा कर लो कि परमेश्वर का आत्मा बोले और बातचीत करे आपसे, बेटा तुझे ये खाना है ये नहीं खाना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसे मेरे साथ हुआ है, इवन मेरी खुद की गवाही में किचन में काम कर रही थी एक टाइम, कुछ टाइम पहले की बात है, मैं किचन में काम कर रही हूँ, किचन में काम करते करते परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है, और जो परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है मैं अंदर आके बैठी हूँ और वही परमेश्वर ने वचन के द्वारा मुझसे वही बात करी, और परमेश्वर का आत्मा अंदर सिखा रहा है मुझे, खाना बनाते बनाते परमेश्वर सिखा रहा है बात कर रहा है, मैं परमेश्वर कुछ बातों के लिए रो रही थी परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर कुछ लोग ऐसे क्यों है, मतलब
इतना इतना बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कर करके दिया। परमेश्वर ने कल मैं और मेरे हस्बैंड यही विषय में बात कर रहे थे, परमेश्वर ने बहुत कुछ कर करके दिया, बहुत एड़ी थोड़े का जोर लगा लिया परमेश्वर ने कि वो लोग परमेश्वर के पास आ जाए। परमेश्वर ने इतनी आशीषें दी, सब कुछ करा, पर एटीएम कार्ड की तरह यूज करके फेंक दिया। क्यों? क्या अगर एक बार बताओ, एक होता है ना चिप्स का पैकेट, सब सबने चिप्स खा रखे हैं, चिप्स का मेरे को परमेश्वर ने बहुत पहले एक दर्शन दिया था कि यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज है और वो खून से लथपथ है और वो दरवाजा खटका रहे हैं, कोई यहाँ से इस्तेमाल करके उनको वहां धक्का दे रहा है, वहां से इस्तेमाल करके कोई यहाँ धक्का दे रहा है, सिर्फ एक यूज कर रहे हैं। लिखा है बाइबल में, लिखा है कि उसको देना आता तो लेना भी बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से सिखाता है वो। लिखा उसकी लाठी में आवाज नहीं है पर जब लगती है ना तो बहुत तेज लगती है। ये थोड़ी थोड़ी यस थोड़ी बातें, आमीन। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हमारे जीवन में जरूरी है। सेंसिटिविटी एक थोड़ी थोड़ी, अगर हल्का सा किसी ने ठट्टा कर दिया, मजाक कर दिया, किसी का ना सर है उस मजाक का, ना पैर है ना टांग है, अगर उसे भी हल्का सा स्माइल भी कर गए ना, वहीं पे दुष्ट आत्मा का अटैक पड़ेगा, पड़ता था। क्यों पड़ेगा? क्योंकि हमने वचन की इज्जत तोड़ दी। परमेश्वर ने कहा फालतू बिया ठट्टा मत करो, ना ऐसे मंडली में बैठो, पर फिर भी हम उन्हीं मंडली में जा जाके बैठ रहे हैं। परमेश्वर से पहला स्थान ना देकर मनुष्य की ओर जा रहे हैं तो क्या कुछ मिलेगा? नॉट एट ऑल। क्या पता परमेश्वर को पहला स्थान देने के द्वारा, क्या पता वो आशीष से, कोई आशीष परमेश्वर ने आपके लिए रखी हो, क्या पता पहला स्थान देने के द्वारा ही परमेश्वर वो आशीष से, जो आपने कभी और कितने लंबे समय से आप वो प्रार्थना कर रहे हो, क्या पता परमेश्वर उसी वक्त उत्तर देने वाला हो, क्या पता उसी वक्त उत्तर देने वाला। पर एक छोटी सी गलती आपने, जो परमेश्वर को पहला स्थान ना देकर मनुष्य को पहला स्थान दिया, वो आशीष से डिले हो गई, डिले हो गई और वो वापस चली गई। स्वर्गदूत लेके तो आए पर वो देखे तो पहला स्थान दे रहे, तो कुड़कुड़ा रहे, तो बुड़बुड़ा रहे, कुछ भी कर रहे हैं, और वो आशीष से क्या चले गई, वो ऊपर बैक रिवर्स हो गई। तो हमें आशीषों को बैक रिवर्स नहीं करना, स्वागत करना है स्वर्गदूतों का, आगे पालन में कर देते हुए हमें स्वर्गदूतों का स्वागत करना है। ये ना हो कि हमारी आती हुई आशीष जाए, नो, हमें ऐसा नहीं करना। हमें परमेश्वर की आत्मा की वाणी को सुनते हुए चलना है। बहुत से लोग इस यूट्यूब से भी, अभी इस मीटिंग से भी जुड़े हैं, बहुतों की सेवा का ही परमेश्वर ने शुरू कर दी है, बहुतों को परमेश्वर आग की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जगह जगह इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनका प्रेयर लाइफ, उन्होंने अपना जीवन अपना परमेश्वर परमेश्वर के साथ, मेरे हस्बैंड बताते हैं कि है कोई, तो उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के साथ इतना अच्छा कर लिया है ना, परमेश्वर आग की तरह उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, आग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि उनका, उन्होंने अपना क्या किया, 2.5 घंटे वो सो रहे हैं, कुछ घंटे बस वो सो रहे हैं और बाकी टाइम वो प्रेयर 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 प्रेयर। क्यों? उनको अपने परिवार को समय देना है। परमेश्वर ने मना नहीं किया परिवार को समय मत दो, खाने पीने को समय मत दो, किसी चीज को समय मत दो, पर उनका पहला मोटिव क्या जा रहा है कि नहीं, मुझे अपने बाप के साथ रिश्ता अच्छा करना है भैया, बाकी सब बात में लेकर अपने माता पिता भाई बहन को, जो मुझसे प्रिय जाने का वो मेरे योग्य चेला ही नहीं है। जैसा कि बताया था थोड़ी देर पहले कि चेला बनने का मूल्य चुकाना पड़ता है, अगर चेला नहीं बन रहे हैं, मूल्य नहीं चुका रहे हैं, तो लिखा है तो अपने हल पे अगर हाथ रखेगा पीछे मुड़ता है तो मेरे योग्य चेला नहीं है। सब बात परमेश्वर बता रहा है। जैसे एलिशा को क्या कहा था, एलिया ने कहा था, जैसे एलिया जब ऊपर उठाने पड़ते तो एलिशा ने क्या कहा था, एलिशा को क्या कहा था, एलिशा ने कहा था एक बार अपने माता को मिलाऊं, तो परमेश्वर क्या कहा था, जा। ये नहीं कहा था कि नहीं नहीं चल मिलिया कोई बात नहीं। पतरस को क्या कहा था जब चेले उसके पीछे चले थे यीशु मसीह के, अरे परमेश्वर ये सब लोग तो जा रहे हैं, तो पतरस प्रभु ने ये नहीं कहा मुड़के, अरे कोई बात नहीं, अरे जा रहे, अरे रुको 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 भैया, जीवन तो मेरे पास है, मत जाओ। नहीं, परमेश्वर ने क्या बोला पतरस को, तुझे जाना है तू भी जा। परमेश्वर ने रोका नहीं, क्योंकि लाखों की करोड़ों की पब्लिक है पीछे, आज सेवा करने के लिए लोग मरे जा रहे हैं, तड़प रहे हैं कि सेवा मिल जाए परमेश्वर की, वो आग से भरे हुए लोग हैं। पर आज भी लिखा है ना, आज भी इंसान दो बातों के लिए रोता है, जिसके पास है ना वो कदर नहीं करता, और जिसके पास नहीं है ना, और जिसके पास है उसे जब छिन जाता है ना तो इंसान रोता है, और जिसके पास नहीं है वो आज भी रो रहा है। अगर आज आपको सेवा का सौंपी गई है ना, आज आपके पास परमेश्वर ने प्रार्थना का अभिषेक दिया, आज परमेश्वर ने आपको, और प्रार्थना के अभिषेक के द्वारा ही बंधन टूटते हैं, उस अभिषेक वो सामर्थ्य द्वारा बंधन टूटते हैं। अगर आज परमेश्वर ने आपको इतना कुछ दिया है ना, तो बस हमें एक मोटिव होना चाहिए कि प्रभु का रिश्ता अच्छा करना, और सेकंड थिंग परमेश्वर की आंखों से आंसू पोछना। ऊपर में जो भाई है उनको परमेश्वर बहुत ऐसे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, किस कारण कर रहे हैं, उन्होंने अपना सारा जीवन परमेश्वर को दे चुके हैं, वो डिवोटेड हो चुके हैं परमेश्वर में, कमिटेड फेथफुल हो चुके हैं परमेश्वर के साथ। उनको ये परवाह नहीं है कि मेरे भाई क्या सोचेगा, मेरी बहन क्या सोचेगी, मेरे परिवार क्या सोचेगा, नो, मेरा उन्होंने अपना खाना पीना एक जगह पे रख रखा है, नहीं भाई खाना मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे परमेश्वर का काम करना है। क्यों? क्योंकि उनके एक दीवानगी छा गई है, परमेश्वर के लहू का नशा चढ़ गया उनके ऊपर, परमेश्वर का प्यार का नशा। आज हमारे ऊपर किस चीज का नशा चढ़ा हुआ है, आज हमारे ऊपर किस प्यार का नशा है, आज हमें देखना है। क्या व्हाट्सएप का नशा चढ़ा हुआ है, ये दुनियादारी निभाने का, ये रिश्ते निभाने का नशा चढ़ा हुआ है, या अपने काम निपटाने का नशा चढ़ा हुआ है,
या दारू पीने का नशा चढ़ा हुआ है, किसी का आज हमारे ऊपर नशा चढ़ा हुआ है, आज हमें अपने अंदर जांचना है। तो ज्यादा खाने का नशा चढ़ा हुआ है कि ज्यादा वही खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं कुछ लोग खाने के लिए जी रहे हैं। क्या किस चीज का एडिक्शन हमारे अंदर पाया तो नहीं जा रहा आज? क्या मनुष्य की ओर ताकने का ज्यादा, मनुष्य की ओर ताकना भी एक एडिक्शन है, बार 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 मनुष्य की ओर ताकना, क्या ये एडिक्शन पाया तो नहीं जा रहा आज हमारे अंदर? और मेरी भी फैमिली है, सीरियसली मैं कितना टाइम हो गया उसे उनसे मिला और अभी तक भी नहीं मिल पाई, नहीं मिल पाई। क्यों? फोन आता है वो लोग बोलते हैं अरे तू तो फोन नहीं करती, अरे दीदी आप फोन नहीं करते। क्यों? एक ही बार बोल देते बस सेवा हो गई है, सेवा बढ़ गई, टाइम नहीं है सब, टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम की शॉर्टेज के कारण, सेवा का ही बढ़ने के कारण, परमेश्वर को अपना जीवन दे देने के कारण आज टाइम नहीं है। ये नहीं कि परमेश्वर ने कहा बिजी हो जाओ, किसी को प्यार मत करो, प्रेम प्यार रखना है, सबके साथ करना है, बट एक बात परमेश्वर बोलता है कि बेटा जो भरोसा मैंने तुझ पर किया है ना कभी तोड़ियो मत, क्योंकि तो परमेश्वर आज भी पवित्र आत्मा रो रहा है, आज भी परमेश्वर पता आंसू आंसू बहा रहा है, किसके लिए? हमारे लिए, हम सबके लिए परमेश्वर आंसू बहा रहा है कि हे बेटा इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्या परमेश्वर ने जान के, मनुष्य ने हमारे लिए जान दी जो मनुष्य की ओर ताकते रहते हैं? हाँ, उस पर जो संसार की ओर ताक रहा है, क्या हम मनुष्य को खुश कर रहे हैं क्या? मनुष्य की ओर ताक रहे हैं क्या? मनुष्य ने हमारे लिए जान दी, बीमार होते तो कौन चंगा करता है? परमेश्वर चंगा करता है। फाइनेंस नहीं होता तो कौन मुहैया करता है? दुनिया, दुनिया देगी तो 10 बार सुनाएगी, दुनिया मुहैया नहीं करती, परमेश्वर मुहैया करता है। तो फिर भी हम परमेश्वर की आंखों में आंसू क्यों लेकर आते हैं? छोटी छोटी गलतियों के कारण, थोड़ा 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 खमीर, आपको नहीं पता ये हमारे लिए बहुत थोड़ा है बट परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा है। थोड़ी सी गलती ना बहुत बड़े फटके में ला सकती है। और आज पिता मेडिएटर के, आज यीशु मसीह मेडिएटर के समय, मेडिएटर के समान परमेश्वर पिता के सामने, बीच हमारे पिता के बीच में खड़े हैं। हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रतिदिन परमेश्वर हमारे गुनाहों की क्षमा मांग रहा है परमेश्वर से कि प्रभु इन्हें माफ कर दे, माफ कर दे। फिर से परमेश्वर बोल रहा है माफ माफ कर दे, चांस दे और चांस दे। आज अनुग्रह का समय तो हमें पहचानना है, और जब ये अनुग्रह का समय चला जाएगा इसके बारे में आगे बताया जाएगा आपको, जब परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करेगा, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ज्यादा कहते हैं ना डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस आने वाला टाइम बहुत ज्यादा वैसा है। आप ही से हमें तैयार करना है, खुद भी तैयार होना है, औरों को भी तैयार करना है, खुद भी सेवा करनी है, औरों को भी बोलना है, मोटिवेट करना है, अरे तुम भी करो, आओ चलो खुदा के भवन, चलो सेवा करो। और चलो लिटरली मैं अपनी गवाही से बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, बाइबल पढ़, ये कर, वर्शिप कर, प्रार्थना में बैठ, फोन छोड़, ये कर वो कर। हालांकि मैं फोन ज्यादा चला नहीं रही हूँ, बट जैसे बहुत लोग मैसेजेस आते हैं, रिप्लाई करने पड़ते हैं, अभी मैं अच्छे से नहीं दे पाती हूँ रिप्लाई उन लोगों को, क्यों? क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम, खुदा को भी टाइम देना पड़ता है मुझे, हमें खुदा को भी टाइम देना है, और अपना पर्सनल रिश्ता खुदा के साथ भी अच्छा पढ़ना है, बाइबल भी पढ़नी है, बहुत सारे होते हैं चीजें लाइफ में, राइट? तो इसी तरह से मैं मोटिवेशन की बात बता रही हूँ कि हमें एक दूसरे को ऊंचा उठाना है। कैसे ऊंचा उठाएंगे? प्रार्थनाओं से ऊंचा उठाना है एक दूसरे को हमें। तो गिर रहा है, अरे नहीं 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 गिरना नहीं है, ऊंचा उठो, प्रार्थनाओं से ऊंचा उठाओ, उसको पंप लगाओ। नहीं, पहला स्थान खुदा को देना है भाई, नहीं पहला स्थान, पहले बाइबल, पहले वचन, बाइबल वचन, बाइबल वचन ठूस देना दूसरे के अंदर, जब तक भर ना जाए वो इंसान, आग से भरकर खड़ा ना हो जाए। और जैसे ही पवित्र आत्मा की आग उसमें लगी नहीं, वैसे ही वो उछलेगा। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा की आग लगी है ना, वो परमेश्वर के काम करे बगैर रह नहीं सकता, ये बात सच्चाई है, कभी रह नहीं पाएगा। और जिसके अंदर आग नहीं है वो ठंडा गुनगुना, आता जाता चर्च, आए गए सम, आए गए, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड किया, चलो भैया घर, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड किया, चलो भैया। नो, हमें अपना जीवन लिखा है, ना तो तू ठंडा ना तो तू गुनगुना है, इस कारण मैं तुझे मुंह से उगलने पर, उससे पहले परमेश्वर उगले, इससे पहले परमेश्वर उगले, लिखा है परमेश्वर के वचन को हल्के में नहीं लेना है हमें। बहुत से लोग हल्के में ले जाते हैं, अरे परमेश्वर अरे माफी मांग लेंगे, क्या हो गया, माफ जरूर कर देगा, माफ कर देगा, बट जो बोया वो तो काटना है, पाप का फल तो मृत्यु है, पर हमें वचन को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि उसको देना आता तो लेना बहुत अच्छे से आता है। इसलिए परमेश्वर छोटी छोटी बातों में, कुछ हो या ना हो, परमेश्वर तू है ना मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु का काम पहले, प्रभु प्रभु प्रभु। अगर दिन भर हम यीशु 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 करते रहेंगे ना, लिटरली लाइफ का ना ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, हमेशा ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर ही जाएगा। आमेन। अपने लाइफ को परमेश्वर चाहता है कि मेरा बच्चा ना मुझसे बड़े बड़े काम करे, अद्भुत तरीके से सेवकाई उठे, अद्भुत तरीके से वो आग लग जाए, मिनिस्ट्रीज में आग लग जाए। और जो जिन भाई के बता रही, जिन भाई को परमेश्वर पता है से इस्तेमाल कर रहा है, सच में उनके द्वारा परमेश्वर वो पवित्र आत्मा की आग लगा रहा है दूसरों के अंदर। लोग बुला रहे हैं, चखा है प्रभु ने, उनके अंदर वो अभिषेक है, तभी तो लोग उनको बुला रहे हैं, नहीं एक बार भाई हमारे यहाँ आ जाओ, एक बार हमारे यहाँ आ जाओ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो सामर्थ्य, वो अभिषेक पाया जा रहा है, वो पवित्र आत्मा की आग पाई जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहला मोटिवेशन ये नहीं रखा कि नहीं भाई इसको समय देना है, इसको भी समय देना है, इसको भी। नो, किसी को समय देना दे भाई, खुदा तेरे को समय देना है मुझे,
आज वो खुदा के लिए समय निकालने के लिए बेताब रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि परमेश्वर उनको उठा रहा है। क्योंकि हम खुदा की दासी है, हमारे पास समय सिखाते हैं बेटा ऊपर उठ जाओगे ना, अभी संभल जाओगे तो बढ़िया है, अभी परमेश्वर के वचन को हल्के में नहीं लोगे ना तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है। ऊपर से नीचे जब गिरता है ना इंसान, उठने में बहुत समय लगता है, तब प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, बात बात पे प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, और सब जो आंसू बहाने पड़ते हैं ना वो अलग। इसीलिए कोई ना गिरे, इसीलिए बता रही हूँ कि खुदा को कभी भी हल्के में ना लो, और जो परमेश्वर कह रहे हैं सिर्फ परमेश्वर की ओर ताकना है, हर चीज के लिए परमेश्वर की ओर ताकना है, खुदा को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। जो मनुष्य नहीं कर सकता वो लिखा, जो मनुष्य के लिए संभव है परमेश्वर के लिए संभव है, ना तो हमारी बल से होगा ना तो हमारी बुद्धि से, वरन उस एक पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक काम हो जाएगा, और परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेलेगा। अंत में लिखा है वो हर एक अपने आत्मा को उंडेलेगा, और लिखा है उद्धार, उद्धार के बारे में आगे अगली टीचिंग में आपको बताया जाएगा कैसे परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करेगा। ठीक है, तो आज के लिए यही था कि हमें परमेश्वर की बात को अनसुनी और सुनी करके अनसुनी नहीं करना है। ठीक है, जो खुदा का आत्मा है, दुनिया फ्रेंड हो रही है, बात नहीं करी, रिश्ता तोड़ रही है, तो के तोड़ दो रिश्ता, तोड़ना तोड़ो, जाना है जा, कोई दिक्कत नहीं, बट हमें क्या करना है, खुदा तेरे तू मेरे साथ है ना, सच बता रही हूँ मेरे साथ ऐसा हुआ, ये मेरी गवाही है, जिन लोगों ने मेरे से रिश्ता तोड़ा था, जिन लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था, क्यों, क्योंकि मैंने खुदा के वचन को इज्जत देना शुरू किया था। पर आज वो लोग मुझसे प्रार्थना कराने, वो लोग मुझसे बात करना मांग रहे हैं कि एक बार तो बात कर लो, क्यों, क्योंकि वचन को पहला स्थान दिया। अगर मैं उनको खुश करने में लगी रहती ना तो खुदा तो ऑफेंड हो जाता, क्योंकि खुदा की दासी ने बताया था, कुछ बहुत सारी बातें बताई थी अपने बारे में, बताती है वो, बहुत से लोगों को खुदा ने बोला है मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा, सच बता रही हूँ, रूह कहाँ पर जाती है ये बात सुनकर। अगर खुदा का आत्मा, अगर सब लोग एक्सपीरियंस होंगे जैसे खुदा एक्सपीरियंस होंगे, जब खुदा का आत्मा अगर प्रार्थना में बैठा कर छुए ना, वो प्रभु का अभिषेक महसूस ना हो तो कैसा फील होगा। अगर खुदा, और खुदा ने बहुत से लोगों को बोला है, ऐसी गवाही हमने सुनी है कि मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा, तुझे मेरे से ज्यादा संसार का प्रेम प्रिय जान रहा है ना, तू संसार के पास जाना चाहता है ना, संसार के पास जाना चाहती है ना, जा, पर मैं तुझे छोड़ दूंगा, आज बता रहा हूँ। रूह कहाँ बचाती है ये बात, अगर खुदा ने छोड़े तो बचाने वाला कौन, मनुष्य तो केवल, मनुष्य तो अपना ही, मनुष्य तो हेल्प की बात हो तो वो स्वर्ग भी लेके नहीं जा सकता, स्वर्ग ले जाने वाला केवल यीशु, उद्धार करने वाला केवल यीशु है, न्यायी परमेश्वर है वो। इसलिए परमेश्वर के वचन को कोई भी जन हल्के में ना ले, आज से मनुष्य की ओर नहीं परमेश्वर की ओर ताके, और जो परमेश्वर की ओर ताकते कभी शर्मिंदा नहीं होगा वो, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है। आप आज से ताक के देखना, इस बात को एक्सपीरियंस करके देखना, और वो आग, वो फायर अगर आप में ना लगे ना तो मेरा नाम बदल देना, वो फायर, और वो उसके लिए धीरज भी धरना, धीरज एक आत्मा का फल है, धीरज धरना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा वचन शायद इसी पे था कि ताकना नहीं है किसी की, और परमेश्वर कहाँ से कहाँ ले गया, सच में परमेश्वर की महिमा अद्भुत है, राइट। खुदा के दास में सिखाते, जो हम नहीं बोलना चाहते परमेश्वर का आत्मा भुलवा देता है, राइट। तब हम प्रार्थना में चलेंगे, तब सबको बहुत आशीष दे, हम प्रार्थना में चलते हैं, लास्ट प्रेयर में चलते हैं। होप सो सबको सबको सीखने को मिला होगा बहुत अच्छे से, कि आज से हमें परमेश्वर की ओर ताकने, मनुष्य की ओर नहीं, जैसी भी समस्या है, कुछ भी परिस्थिति है, सिर्फ खुदा, खुदा और खुदा। यीशु के ऐसे पीछे दीवाने हो जाओ, यीशु का नाम ऐसे अपने सर पर ठड़ा लो कि बस कुछ मिले ना मिले, यीशु तू मिल जा बस। और अगर एक हमारे, अगर खुदावन अगर हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कौन, कोई भी नहीं हो सकता, राइट, आमेन। तो प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, प्रभु खुदावन यीशु, अपने आप को और हर एक जन को खुदावन यीशु में आपके लहू में सील कर देती है पिता परमेश्वर, कि कोई दुष्ट की गंदी योजना सफल ना होने पाए मेरे प्रभु जी। प्रभु आपने कहा है परमेश्वर कि आपकी ओर ताकने वाले के कभी मुंह काले नहीं होते पिता, क्योंकि भजन संहिता 3:3 आप ऑलरेडी बता चुके हैं, आपने कहा है मनुष्य झूठा हो सकता है पर वचन झूठा नहीं हो सकता, जब आपने कहा है तो वो पूरा होता है। काश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी न टलेगा, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। भजन संहिता 3:3 आपने लिखा कि चार और आप हमारे ढाल है, हमारी महिमा को हमारे मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। जो भी पिता लोग आज पिता जिसकी निगाहें पिता आज संसार की ओर थी पिता, सच में तुमने बोले और बातचीत करे अपने लोगों से, उनके हृदय से बोले और बातचीत करे पिता परमेश्वर, कि सच में मनुष्य की ओर ताकना स्थापित है मेरे परमेश्वर, कोई भी जनार मनुष्य को खुश ना करे, मनुष्य की ओर ना ताके मेरे प्रभु जी, और आपकी अगुवाई में चलने पाए मेरे प्रभु। सच में तेरी अगुवाई में जब जब मनुष्य चले पिता, सच में तूने ऊंचा उठाया मेरे खुदावन यीशु, जो तू कह रहा है वो ही करने के लिए पिता उनको उत्साहित कर पिता, तेरी बात को हल्के में ना ले, जो तेरा आत्मा बोले और बातचीत करे मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ। सच में पिता परमेश्वर अपने वचन में पूरी उपस्थिति में आपने संभाल के रखा और आगे भी आप ही संभालेंगे, धन्यवाद देती हूँ।
धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, और किसी का भी पिता जो भी कोई बीमार है पिता, जो भी मीटिंग से ज्वाइन है पिता, यदि कोई बीमार है जिसके अपने शोल्डर में पेन है या बैक में पेन है या सर में पेन है, कहीं भी सर के बाल से लेके पैर के तलवों तक, और हर एक की रिपोर्ट नॉर्मल आने पाए, यदि किसी के रिपोर्ट नॉर्मल नहीं थी तो वह नॉर्मल होने पाए आज से यीशु मसीह नासरी के नाम से। यदि कोई बीमार है तो वो चंगा हो जाए, मैं यीशु नासरी के नाम से तब वो चंगाई को मैं रिलीज करती हूँ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, तेरी चंगाई का वो सामर्थ आज पिता, वो आग, वो फायर इनमें आज लगने पाए पिता परमेश्वर, ये शांति से ना बैठे पिता परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा की आग इनमें जोरावर तरीके से आज भर जाए मेरे प्रभु जी, आज से वो आग, वो आग, वो आग, वो आग पवित्र आत्मा की लगे लगे परमेश्वर हर एक जन के अंदर पिता परमेश्वर, हर ठंडा गुनगुनापन जाता रहे, यीशु नासरी के नाम से निकले निकले, मैं घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ जिन जिनकी आपने सेवा का शुरू करी है पिता परमेश्वर, किस सेवा पे बहुत ऐसे आप आशीषित करना पिता, फलवंत करना उनकी सेवकाई को पिता परमेश्वर, यदि किसी के घर में कोई बीमार भी था तो वो भी जन चंगा होने पाए पिता परमेश्वर, अद्भुत प्रकाशन से भरना हर एक जन को, अपने अपनी उपस्थिति से भर के रखना, जैसे यीशु मसीह आपके साथ हजारों साल पहले जो सामर्थ काम करती थी, वही सामर्थ आज पिता मेरे लोगों के जीवन में, मेरे जीवन में काम करने पाए पिता परमेश्वर, वही सामर्थ इन लोगों के द्वारा बहने पाए पिता परमेश्वर, कि सच में तुझे पिता बड़ी बड़ी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती, तूने सिर्फ लाजर को बोला कि लाजर बाहर आ, तो पूरी रात प्रार्थना किया करता था पिता परमेश्वर, और सुबह उठ के केवल शब्द बोलता था और माइटी मिरेकल्स होते थे लॉर्ड, आज से वो इस सामर्थ्य इनके अंदर भर जाए पिता परमेश्वर, वो आग से भरे पिता परमेश्वर, कि सच में लंबी प्रार्थना करने की जरूरत ना पड़े पिता, माइटी मिरेकल्स होने पाए पिता परमेश्वर, और तेरा रिश्ता और अच्छा करने पाए, प्रार्थना में यकीन ना समय बिताना पिता, पर वो हजारों साल पहले वाली सामर्थ्य पिता परमेश्वर तो तेरे अंदर से निकलती थी, वो इस सामर्थ्य इनके लोगों के जीवन में कार्य करे मेरे प्रभु जी, तेरी प्रेजेंस इन लोगों के साथ रह के कार्य करे मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती पिता, ये ना तो मेरी बल से होगा ना तो मेरी बुद्धि से होगा, पता ना आपकी आत्मा के द्वारा हो चुका है पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती पिता, धन्यवाद देती पिता, यदि किसी का घर का कोई भी काम रुका हुआ तो वो पूरा होने पाए यीशु के नाम से पिता, हर रुकावटें दूर होने पाए पिता परमेश्वर, यदि किसी के जीवन में बहुत ज्यादा रुकावटें आ भी रही थी पर यीशु नासरी के नाम से वो आजाद होने पाए, कोई रुकावट किसी एक के जीवन में आने ना पाए, यदि किसी का आत्मिक जीवन डिस्टर्ब चल रहा था, कोई प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहा है, बहुत से लोग तो प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहे हैं, यीशु के नाम से पिता आज से वो मस्ता वो डबल फायर उनके ऊपर उतरने पाए पिता परमेश्वर, आज से वो खुद से गवाही देने पाएंगे जब प्रार्थना की गई प्रभु तेरे नाम से प्रभु जी, आज से वो प्रार्थना में जब बैठते हैं तेरी अद्भुत उपस्थिति को वो फील करने पाए लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, जितने लोग आज सुबह में बिहाइंड द कर्टन, जितने लोग भी आज सुबह आ रहे परमेश्वर यीशु के नाम से वो आजाद होने पाए, उनकी आंसुओं की सुधि ले मेरे पिता परमेश्वर, कि तूने कहा तो एक एक आंसू को अपने कुप में भरता पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती पिता, ये ना तो मेरी बल से होगा ना तो मेरी बुद्धि से होगा वरन आपकी आत्मा के द्वारा हो चुका है, मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, जो लोग चाहते हैं बढ़ना पिता परमेश्वर, जो लोग चाहते तो है बढ़ना पर उनको अपने सेवा काम करना भी सिखा मेरे परमेश्वर, कि अपने सेवा अद्भुत तरीके से वो काम करने पाए पिता परमेश्वर, और पिता तुझ में और लॉ लीन होने पाए और डीप इंटीमेसी में और तेरे साथ गहरे रिश्ते में आगे बढ़े पिता, ताकि उस तेरी आवाज को तेरी मीठी वाणी को सुनने पाए, आज से पिता सबके बंद आत्मिक कान को मैं खुल जाने की घोषणा करती हूँ, खुल जाए आज से यीशु नासरी के नाम से, बंद आत्मिक कान खुल जाए, बंद आत्मिक आंखें खुल जाए मेरे खुदावन यीशु के नाम से, आज से लोग तेरी आवाज को सुनने पाए और उसके अनुसार चलने पाए और करने भी पाए मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, यदि किसी घर में अभी तक उनका घराना नहीं बचाया गया था तो उनके विश्वास से उनके घराने उद्धार पाने पाए, उद्धार पाने पाए पत्नी के विश्वास से पति और पूरा परिवार बचाया जाए पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से, पर भरोसा केवल परमेश्वर आप पे होने पाए संसार पे नहीं पिता, आज से जितने लोग संसार की ओर ताक रहे थे मैं विश्वास करती हूँ कि एक एक ना मन फिराया पिता परमेश्वर, और प्रभु जब आज से लोग तेरी ओर ताकते तो अद्भुत कार्य करेगा पिता, हर एक जीवन में पिता मैं धन्यवाद देती हूँ, तो अच्छा और भला का हमने शुरू किया यीशु मसीह पूरा भी आप करेंगे, धन्यवाद देती हूँ, जिस किसी के पैरों में दर्द है पिता वो जाने पाए, स्वेलिंग दूर होने पाए, कान के दर्द जाने पाए यीशु नासरी के नाम से, मैं घोषणा करती हूँ जाने पाए यीशु के नाम से, जितने अगर किसी का कोई जख्म है कहीं पे भी दर्द पीड़ाएं हैं वो दूर होने पाए आज से यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से चंगे होने पाए पिता, और ऐसा ही करने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, सारी बातों में आप ही को महिमा देती हूँ, दुनिया का धर्मी के बोले जाने से लोग चंगे होते हैं पिता, और चंगाई जो आपने छुटकारे दे दिया आजाद कर दिया, बड़ी गवाहियों को आपने क्रिएट कर दिया हर एक जीवन पिता, वो नजर आएगी और लोग देने पाएंगे, मैं धन्यवाद देती हूँ, सारी बातों में आप ही को महिमा देती हूँ, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती पिता हमारी प्रार्थना, और किसी का रुका हुआ जो धन है
किसी के कुछ रुकी हुई पेमेंट है या रुका हुआ धन है, मैं यीशु के नाम से रिलीज हो जाने की घोषणा करती हूँ, घोषणा करती हूँ मैं यीशु के नाम से, घोषणा करते हूँ इसी वक्त रिलीज हो, रिलीज हो, बंदी से टूटे, अभी बेड़ियां टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से। उनके पास फोन कॉल आए कि उनका काम बन चुका है, काम बन चुका है यीशु के नाम से, मैं घोषणाएं कर रही हूँ इस वक्त यीशु के नाम से पिता, रुकी हुई पेमेंट्स रिलीज हो, अच्छी अर्निंग से मेरे लोगों को ब्लेस करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। लोग फोन कॉल्स आएंगे, मैं नहीं जानती कहाँ से आएंगे, पर फोन कॉल्स आने पाएंगे कि आपका काम बन चुका है, क्योंकि ये पेमेंट्स जो रिलीज कर दी परमेश्वर वो नजर आएंगी। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, सारी बातों में आप ही को महिमा देती हूँ, महिमा देती हूँ पिता। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती पिता, हमारी प्रार्थना को देर से सुने और ग्रहण करे पिता। आमेन 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 सिस्टर आमेन 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 आमेन।